press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. राम राम साहब, आप सभी को जय श्री राम। और आज राम नाम लेकर हम आरंभ कर रहे हैं और मेरी चिरपरिचित चौपाई सुना देता हूँ। शांतनु जी हमारे साथ जुड़ गए। शांतनु जी नमस्कार। तो तुलसीदास जी ने राम नाम का विवेचन किया, कहा है, बंदहु नाम राम रघुबर को, हे तुक सानु भानु हिम कर को, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुन अनूपम गुण निदान सो। यानी कि रघुबर नाम राम, रा से अग्नि, कृसानु हे तु कृसानु भानु हिम कर को, तो अग्नि, आ से आदित्य यानी सूर्य, और माँ से हिमकर यानी चंद्रमा। तो राम नाम की महिमा यह है कि इसमें अग्नि तत्व, सूर्य तत्व और चंद्रमा तत्व तीनों विद्यमान हैं। और विधि हरि हर, हरि और हर दोनों से परिपूर्ण है ये, और वेदों का प्राण है। और जो गुणागार जो है, हमारी जो संसार है, उस गुणों का निदान है, यानी गुणों के पार जाने का मार्ग है। तो ये है राम नाम की महिमा। और उस राम नाम की महिमा पर चर्चा करने के लिए शांतनु जी हमारे साथ उपस्थित हैं। शांतनु जी, आपने एक ये रामायण यात्रा आरंभ कर रखी है, इस रामायण यात्रा का हेतु क्या है? देखिए, हेतु तो अब आते आते काफी बदल गया है, लेकिन मैंने जब 3-4 साल पहले यात्रा शुरू करी, संजय जी, मैं एक और अपने बारे में डिटेल बताऊंगा। मेरे एक 8 साल का बालक है, उसको मैं होम स्कूल कर रहा हूँ। वो स्कूल नहीं जाता अभी तक, वो आज तक 8 साल का हुआ है, उसने स्कूल नहीं देखा अभी तक। मेरी एक टेड टॉक भी है उसी पे, नो स्कूल फॉर माय सन। तो उसको मैं बहुत सारी चीजें अपने आप पढ़ाता हूँ, उसे घुमाता हूँ, बहुत जगह घुमाया। वो कुंभ रहा, प्रयाग कुंभ मेरे साथ 15-20 दिन, भारत के 15-20 राज्य घुमा हुआ है वो। तो वही उसकी शिक्षा का तरीका है। तो बीच में एक बार आया मुझे, मैं कुछ रामायण के बारे में उसने कुछ प्रश्न पूछा मुझसे, बड़ा रोचक प्रश्न था। चिन्मय मिशन के एक सेंटर में आया, उसने कहा मुझसे कि ये परशुराम और राम जी का संवाद उसने सुना, उसने कहा ये दोनों विष्णु के अवतार हैं, साथ में कैसे हो सकते हैं? अब एक लॉजिकल माइंड के लिए अच्छा क्वेश्चन था। अभी हम उसे लगा अवतार एक जाएगा एक आएगा, तो मैंने उसे उस समय कुछ उसके हेतु के लिए जवाब दे दिया, लेकिन मुझे लगा मुझे खुद इंक्वायरी इस पे करनी चाहिए। तो उसी समय मैं योगी आदित्यनाथ जी की अपनी बायोग्राफी भी कर रहा था, जो पिछला हमारा सेशन था, अच्छा गया, काफी बहुत सारे दर्शकों ने सराहा पिछला हमारा योगी आदित्यनाथ जी वाला सेशन। तो मैं अपनी योगी आदित्यनाथ जी की बायोग्राफी भी लिख रहा था। तो आपको तो भौगोलिक स्थिति पता है, लखनऊ से आप गोरखपुर जाते हैं तो अयोध्या बिल्कुल बीच में पड़ता है, आधे रास्ते पे, बिल्कुल 4 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे पे अयोध्या है करीब। तो ऋषिकेश उपाध्याय जी मेयर बने थे, उनसे थोड़ा परिचय था। मैं जाने लगा वहां पे, तो वहां पे बहुत सारे स्कॉलर से बात होने लगी, फिर मुझे कुछ कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। तो मुझे पता लगा कि रामायण कैसे अपने आप में भी अभी भी भारत में स्कॉलरशिप की तरह जिंदा है। और मैंने खुद एक वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना शुरू करा। बीच बीच नीलेशोक जी की, आपका भी परिचय उनसे, उनसे मिलना हुआ, उनसे उनसे अच्छी मित्रता हुई, और ऐसे बहुत सारे स्कॉलर से मिलना हुआ। तो मैंने, जब मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैंने XLRI से MBA किया है, तो और मैं देश विदेश में मैंने मैनेजमेंट पोजिशंस पे काम किया है। जब मैंने उसको पढ़ा, उसको अपने तरीके से, देखिए मेरे ख्याल से रामायण आप पढ़ेंगे तो एक अलग आपको सार निकलेगा। तो मुझे जब सार निकला, मेरा ऑब्जेक्टिव था अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊं। तो जब मैं पढ़ता गया, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, मैंने कहा ये तो बहुत फिनोमिनल टेक्स्ट है। मतलब मेरा जो रामायण का विंडो था वो रामानंद सागर की रामायण थी, जो अच्छी है उसने हमें पहुंचाई, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा विवेचना नहीं है। वो एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनी हुई है, थोड़ी सी तथ्यों में भी आगे पीछे है कहीं कहीं पे, ठीक है, लेकिन उससे कम से कम हमारे तक रामायण पहुंचाई। नहीं तो हमारे घरों में तो रामायण का अध्ययन ऐसे नहीं होता है ना, कि मतलब माँ बाप सब बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा तो हमारे घरों में नहीं होता है। तो पता लगा, फिर मैंने जब उसको एक मॉड्यूल के फॉर्म में करा, बहुत जगह ले जाने लगा उसको, तब मुझे हर सेशन के बाद, अब मैं करीब 100-200 सेशन कर चुका हूँ करीब 20 देशों में उसके पिछले 1.5 साल में। तो मुझे लगा कि इसकी, मतलब अगर मैं नीलेशोक जी की डेटिंग से माने हम लोग, जो 14,000 साल पुरानी है, और
कम से कम अभी यूपी सरकार यूपी इंसाइक्लोपीडिया रामायण इंसाइक्लोपीडिया का प्रोजेक्ट कर रही है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उससे अभी तक वो 300 देश काउंट कर चुके हैं, 100 देश काउंट कर चुके हैं कि 100 देशों में रामायण का कुछ ना कुछ चिन्ह है किसी ना किसी तरह से। तो जब 100 देशों में 14,000 साल बाद धर्मों के बियॉन्ड, मतलब इंडोनेशिया में भी रामायण है जो एक मुस्लिम देश है, थाईलैंड में भी रामायण है जो जो एक बुद्धिस्ट देश है, ऐसे रामायण कैसे रही, तो अब मुझे पता लगा उसके हर कैरेक्टर में, हर इंसिडेंट में एक इतना जीवन का, लीडरशिप का, राजनीति का, धर्म का, परिवार का ऐसा लेसन छुपा है, तभी वो टेक्स्ट रिलेवेंट है। वो धर्म की वजह से शायद रिलेवेंट ना हो, लेकिन वो इतना प्रोफाउंड टेक्स्ट है इसलिए वो जिंदा है। अब मुझे लगा वो मेरे को जो बच्चे को पढ़ाने के लिए शुरू हुआ था वो इतना वृहत हो गया है कि हमने एक रामायण स्कूल स्थापित किया और मैं करीब 10-12 हज़ार लोगों से सीधे बात कर चुका हूँ पिछले 1.5 साल में संजय जी, रामायण के विषय को लेकर। राम की जो चरित्र में जो सबसे सुंदर जो उसका पहलू है वो ये है कि राम, हमारे शास्त्र भी कहते हैं और हमारी परंपरा भी कहती है कि राम सुगम है। हम सुगम, कृष्ण जो है वो उनका चरित्र तो बहुत व्यापक है, पूर्णावतार है, लेकिन यदि आप गहराई में जाइए तो कृष्ण बड़े दुर्गम है, दुर्गम है, जटिल है, समझना ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो कृष्ण को समझ पाना, कृष्ण को पार पाना बड़ा जटिल है। तो कई बार तो कहते भी हैं कि साहब कि आप जो है कृष्ण को सुनिए, ज्ञान में कृष्ण का कोई किसी भी प्रकार का कोई सानी नहीं है, नहीं। लेकिन यदि किसी का अनुगमन करना है तो वो आप राम का कीजिए। क्यों? क्योंकि वो सुगम है, तो ये सुगम अनुगमन है उनका। और मुझे लगता है कई बार एक्चुअली आजकल के जो वर्तमान जो लेखक हैं उनमें जो सबसे सुंदर चित्रण राम का किया है राम कथा में वो नरेंद्र कोहली जी ने किया है। मुझे ध्यान नहीं कि आप जो नहीं बिल्कुल आपने वो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। हाँ। तो जो राम के चरित्र की जो विशेषताएं उन्होंने उजागर की हैं उसमें नेतृत्व, आप जैसे आप लीडरशिप लेसन रामायण की बात कर रहे हैं उसमें नेतृत्व क्षमता का एक बहुत ही उदात्त पहलू है। और उसमें भी सबसे पहले वो आरंभ होता है कि राम निश्चय करते हैं कि मुझे जो सताए हुए हैं उनका उनके साथ जाना है, जाना। और इसीलिए राम कथा में नरेंद्र कोहली जी का जो इंटरप्रिटेशन है वो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि उन्होंने सीता को अपनाया, जो जो सीता थी जिनका जिनको कहते हैं कि वो अज्ञात कुलशीला थी जी, तो अज्ञात कुलशीला का वर्ण करना उस समय के एक लब्ध प्रतिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा के, सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट होने वाले व्यक्ति के लिए एक अज्ञात कुलशीला का वर्ण करना वो एक ऐसा महान कार्य था जो अगर यदि उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, आजकल ही नहीं किया जा सकता, लेकिन उस समय के युग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व की जो वानगी है वो संभवतः वहीं से आरंभ हो जाती। जी नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। मैं अगर थोड़ा और पहले जाऊं उनके विवाह से भी पहले, जब उनको विश्वामित्र जी लेने आए, बाद में विश्वामित्र जी उनको जनक के दरबार में लेके गए और विवाह हुआ, तो बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है वो। विश्वामित्र जी दरबार में आए, दशरथ जी बड़े खुश हुए, विश्वामित्र जी इतने बड़े सन्यासी हैं। पहले सन्यासियों का सत्कार हुआ करता था कि सन्यासी घर में आना, दरबार में आना, राज्य में आना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो दशरथ जी ने बिना सुने कह दिया, आप जो कहेंगे आप साहब तो कह दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा पक्का कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा हाँ। तो मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। तो बोलता ठीक है, क्या करेंगे? कहता वो ताड़का मारीत सुबाहु हमारे यज्ञ में दिक्कत कर रहे हैं, आप उनको मुझे दे दीजिए। दशरथ जी को लगा भाई वो तो 16 साल के, ऐसा आता है वो 16 साल के भी नहीं है, वाल्मीकि रामायण में आता है ऐसा, तो वो तो अभी मतलब शिक्षा ले रहे हैं वशिष्ठ ऋषि से, वो तो अभी शिक्षा ले रहे हैं, वो कैसे मारीत सुबाहु इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारेगा, मुझे ले जाइए, आप मेरी सेना को ले जाइए। तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं लेके जाऊंगा तो राम और लक्ष्मण को ही लेके जाऊंगा। फिर वशिष्ठ ऋषि के मनाने पर उन्होंने भेज दिया। अब होता क्या है, ताड़का सामने खड़ी है और ताड़का पर ये तीर बिल्कुल प्रत्यंचा पे चढ़ा रखा है और राम जी से विश्वामित्र जी कहते हैं चलाओ बाण। अब ये अर्जुन और जो कृष्ण का संवाद है वैसी स्थिति आती है, राम जी बिल्कुल बाण चलाने वाले हैं और कहते नहीं मैं नहीं चला सकता बाण। तो बोलते भी क्या हो गया? विश्वामित्र जी कहते हैं, कहते नहीं ये तो महिला है, महिला पे तो मैं वार नहीं चलाऊंगा, महिला को तो मैं आज के जो नारी सम्मान या वुमन एम्पावरमेंट के इशू में इतना रेलेवेंट है ये डिस्कशन,
फिर राम और विश्वामित्र के बीच में एक संवाद होता है, बड़ा सुंदर संवाद है, ताड़का सामने खड़ी है, बल्कि बिल्कुल क्राइसिस इज एट द गेट, क्राइसिस खड़ा है, वो नहीं छोड़ने वाली है आपको, आप थोड़ी और डिले करेंगे वो खा जाएगी आपको। तो विश्वामित्र जी कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो महिला है, मैं भी अपने शिष्यों को यही सिखाता हूँ, लेकिन ये केवल महिला के शरीर में है, इसमें दया करुणा ममता नहीं है, ये बच्चों का संहार करती है, ये महिलाओं का संहार करती है, ये ऋषियों का संहार करती है, पुरुषों का संहार करती है, ये हमारे वैज्ञानिक जो यज्ञ होते हैं उनमें बाधा डालती है। तो उनमें जब संवाद होता है, जब वो अपने मॉरल डिलेमा को बिल्कुल सेटिस्फाई कर लेते हैं, तभी वो बाण को छोड़ते हैं। तो मतलब आपके क्राइसिस सामने खड़ा है, तब भी आप अपने जो मॉरल कंपस है उसको पहले सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये इतना बड़ा लेसन है आज के किसी भी कॉर्पोरेट डिसीजन में, हमें कहता है पहले प्रॉफिट देख लो, मॉरल वॉरल तो वो तो लिखने के लिए है, किताब की विजन है कंपनी का या कंपनी के सेट ऑफ आइडियल्स है वो तो ठीक है, एक 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 पर्पस के लिए है, लेकिन मैं मॉरल्स मेरे गुड टाइम्स के लिए है, फॉर पीस टाइम्स, लेकिन क्राइसिस में जैसे तैसे भी डील करूंगा। तो मुझे सबसे पहले जो हिट करा, जिसने मुझे रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित करा, क्योंकि हम लोग भी दाएं बाएं कर लेते हैं जब अपना काम निकालने के लिए, उन्होंने कहा मॉरल स्टैंडर्ड आपने सोच लिया है तो सोच लिया। तो ये मुझे गोल्ड स्टैंडर्ड ऐसे मल्टीपल दिखे संजय जी, मल्टीपल दिखे, मतलब पहले मैं उसे रामानंद सागर की रामायण को मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहानी तो मुझे वहीं से मिली जब मैंने बचपन में देखी होगी, आपको भी याद होगा 1986-87 में आई थी, मैं तो 6-7 साल का था, पिताजी पूरा सबको मेक श्योर करते थे संडे को सबको नहा के बैठना है उसके सामने, टीवी की पूजा वूजा होती थी, हम लोग घर में जो हेल्प वेल्प होते सब बैठ के 8-9 लोग, टीवी कम लोगों के पास हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था वो, बड़ा मुश्किल से चलता भी था ऑन ऑफ करके, तो कहानी वहां से आई, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड है मोरालिटी में, समाज में रहने के लिए। मैं और प्रकरण जो मुझे याद आएंगे बताऊंगा, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा प्रकरण लगता है, ताड़का का वध और उसमें संवाद उनका विश्वामित्र। जी हाँ, और विश्वामित्र के संवाद में जो उससे भी यदि रोचक आपने पता नहीं आपके ध्यान में आया नहीं आया, और एक योग वासिष्ठ नाम से एक रचना है, वो योग वासिष्ठ जो है वो एक अनुपम रचना है, और उसमें जो है राम का अंतर्द्वंद जो है वो बहुत ही खुल के दिखाया गया है, उसमें दिखाते हैं कैसे उनको वैराग्य हो गया है, और उस वैराग्य को दूर करने के लिए फिर वशिष्ठ जी उनको प्रवचन देते हैं। प्रसंग यही है, विश्वामित्र जी आ गए हैं, विश्वामित्र जी आके बैठे हुए हैं, उनको बुलाया जाता है, तो वो तो कहते हैं कि साहब कि मैं तो वैराग्य की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर वो बल्कि हमारे प्रोफेसर सुभाष काक जी हैं वो तो कहते हैं कि इट इज द बेस्ट नॉवेल, बेस्ट फिक्शन एवर रिटन, उनका तो इसका ये मानदंड है। तो आगे यहां से फिर दूसरा जो प्रसंग आता है कि जब कैकेयी वरदान मांग लेती हैं और दशरथ जी जो हैं वो स्वयं वो कह नहीं पा रहे हैं, और बल्कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तुमको आज्ञा नहीं दी है, तुमको नहीं जाना है, और उसके बाद भी वो अपने ऊपर दायित्व लेते हैं, क्योंकि दायित्व का जो लक्ष्य है वो कहीं और था, उनको जो वनवासी लोग हैं जो वन में ऋषि मुनि हैं उनको जो कष्ट दे रहे हैं ये राक्षस, राक्षसों का भी क्योंकि अलंकार मान सकते हैं आप राक्षसों को, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनसे उनको बचाना है, संहार करके और एक प्रकार से सृष्टि को उनको त्राण देना है, उनको तारण करना है सृष्टि का, तो वो उसको अपने ऊपर लेते हैं और वो नेतृत्व वहां पर दिखाते हैं, और इसी में साथ साथ पूरे हर समय आपको देखेंगे कि राम की एक अनंत जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा के चलते ही फिर वो ये अपने ऊपर ये दायित्व लेते हैं, वो दायित्व चला कर लेते हैं। यदि वो चाहते टेक्निकली अगर होता है आज के युग का कोई होता तो वो कहता कि साहब की भाई हमको तो आज्ञा तो दी नहीं, हमें तो पिता ने तो आज्ञा दी नहीं, और राजा की आज्ञा तो नहीं मिली, तो राजा की आज्ञा तो नहीं मिली, बल्कि राजा तो उल्टा कह रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने बड़े बालकांड से अयोध्या कांड में हम मूव कर गए, तो बालकांड में विवाह हुआ माता सीता से और वापस आए, और मजे की बात है जब वो वापस आए राम और सीता तो केकई जी ने उनको एक भवन गिफ्ट किया, एक भवन कनक भवन जिसको हम बोलते हैं, अयोध्या में अभी भी है वो कनक भवन, तो दशरथ महल से वो कनक भवन में रहने लगे, और फिर सबको पता है मंथरा ने कैसे ब्रेन वॉश किया, और केकई जी ने कहा मुझे वो दो वरदान चाहिए।
अब आपने जैसे कहा कि राजा ने कहा, मैं तो कह भी नहीं सकता इस शब्द को, और लेकिन डिसीजन लेना पड़ा उनको, उन्होंने जाने दिया। और जो तुलसी रामायण की चौपाई भी आती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो वचन है दशरथ और केके के बीच में, वो उसका कोई 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 गवाह भी नहीं, वो कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, उसका कोई स्टैम्प पेपर बॉन्ड पेपर पे नहीं हुआ, वो किसी राजदरबार में बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं दिया गया है, वो केवल दो लोगों के बीच में है जिसका कोई टेस्टिमनी भी नहीं है। लेकिन अब उनके पास है, या तो मैं राम को जाने दूं जिसको चुना गया है, ये भी एक लोगों को भ्रांति है कि वो सबसे बड़े पुत्र थे इसलिए उसका पूरा चुनाव हुआ, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आता है वाल्मीकि रामायण में कैसे राम का सारे गुणों में चुनाव हुआ, सारे गुणों में उत्तीर्ण हुए, बहुत सारे राजा आए, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव आए और उसमें एक डेमोक्रेटिकली उनको चुना गया। तो एक मैं ऐसे चुने हुए राजा को जाने दूं जो अयोध्या के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, मैं अपने पुत्र को जिससे मुझे अपार स्नेह है उसको जाने दूं, शायद मैं जी भी ना पाऊं उसको भी जाने दूं, या मैं केकई के जो ये बड़े अटपटे से वचन है उनको मानूं। तब उन्होंने कहा भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उनका निधन भी हो गया, उनका खाना पीना छूट गया, उनको सांस में तकलीफ हो गई, उनको उनके जो 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 विरह का जो अपने पुत्र से जो जो दुख था उससे भी चले भी गए। और फिर मैं जब अपने सेशन लेता हूं तो ये भी बताता हूं कि मैं कुछ लॉयर से बात करी, मैंने पता लगा कि वर्ल्ड ओवर भारत में ही नहीं, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के या बाउंस चेक के बेसिक जो होते हैं उसके केस सबसे ज्यादा होते हैं हर कोर्ट, और ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मेरे और आपके बीच में हुए, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गया या आप कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गए और हम दोनों एक दूसरे को कोर्ट में लेके चले गए। और ये क्या दो लोगों के बीच का वचन है, दशरथ और केकई का वचन है। और राम कहते हैं कि मैं अपने पिताजी को ऐसा अपयश नहीं देना चाहता कि वो उनके ऊपर ये लांछन लगे कि उन्होंने वचन नहीं माना। मतलब आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हम लोग तो मतलब इतने छोटे हैं वचन के, हम तो दिन में 25 झूठ तो ऐसे ही बोल देते हैं, छोटा छोटा ही बोल देते हैं, घर पे बैठे कहते हैं गाड़ी में है, गाड़ी में बैठे कहते हैं घर में है। और वो इतनी बड़ी बात पे जब एक राजा एक पुत्र 14 साल के लिए चला जाएगा, शायद मैं उसको फिर कभी जीवन में नहीं देख पाऊंगा, अयोध्या को इतना अच्छा राजा खो देगा, और दशरथ बोल नहीं पा रहे हैं, और राम कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी पे अपयश नहीं लगने देना चाहता, हम रघु के लोग हैं, हम श्वाकु वंश के लोग हैं, हम हरिश्चंद्र के वंश के लोग हैं, हम पे ये अपयश कैसे आ जाएगा, हमने वचन नहीं माना। और ये वचन जिसको कोई नहीं जानता, अगर दशरथ जी केकई जी का वचन नहीं मानते तो कौन क्या कहता उनको, कोई कुछ नहीं कहता, इतने बड़े राजा थे, जनता राम को प्रेम करती थी, जनता तो वैसे भी नहीं चाहती थी राम जाए, और तब भी उन्होंने वचन का पालन करा। और मेरे ख्याल से कोर्ट पुलिस तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कहता हूँ आज की सोसाइटी सीसीटीवी सोसाइटी है, वो सीसीटीवी पुलिस गवर्नमेंट के चक्कर में चल रही है, अगर वो सोसाइटी तो देखिए मतलब दशरथ जी ने कह दिया तो वो वचन हो गया, राम जी ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल, ठीक है मैं जाऊंगा 14 साल, और वहीं पे, बल्कि मैं तो ही कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं तो बड़ी बात है, एक राजा राम जो भगवान राम बने उन 14 साल की जर्नी में बने, जो उन्होंने इस वचन का पालन किया और जो उन्होंने ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन दिखाया, जो उन्होंने अपना व्यक्तित्व दिखाया। हम दशरथ को अच्छा राजा मानते हैं, पूजा नहीं करते उनकी, हम लवकुश को अच्छा राजा मानते हैं, पूजा नहीं करते उनकी, लेकिन राम को राजा के ऊपर की जो संज्ञा मिली उन 14 साल में जो हमने उन्होंने हमें सिखाया उससे मिली। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रकरण आता है अयोध्या कांड में कि कैसे उन्होंने जो केकई, और हाँ सबसे जो क्रोध में आया वो लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी बोले नहीं 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 हम तो कू करेंगे और हम तो दशरथ जी से लेंगे, ये तो आपका राइटफुली आपका राज्य है, राइटफुली आपका राज्य है, हमें लेना ही होगा। तो जो राम और लक्ष्मण के बीच का संवाद है पिता को लेकर, और पूरे रामायण में आप एक चीज बड़ी मजेदार नोटिस करेंगे संजय जी, केकई के बारे में अपशब्द नहीं बोला किसी ने, उसके बाद एक बार भरत ने बोला बस, उसके भरत को भी टोक दिया सब, भरत को भी सबने टोक दिया, ऋषि भारद्वाज ने टोक दिया, फिर बाद में लक्ष्मण ने कभी कुछ मजाक में कहना चाहा केकई के विरुद्ध, माता केकई के विरुद्ध, तब भी राम ने टोक दिया। मतलब ऐसा कार्य करने के बाद भी जो ट्रीटमेंट केकई का हुआ वो बड़ा बड़ा सुंदर ट्रीटमेंट था। तो कई बार वो अकल्पनीय भी लगता है कि हम लोग जिस मीनियल वर्ड के लोग हैं, क्रोध आ जाता है छोटी छोटी बात में, या देखिए मैं कल राजा बनने वाला हूँ, मैं पूरी तैयारी में हूँ, कल राजा बनने वाला हूँ, मैं अपनी स्पीच तैयार कर रहा हूँ पूरे पूरे राज्य में, मुझे एक घंटे बाद पता लगता है राजा तो बहुत दूर की बात है, आपको तो 14 साल का वनवास हो रहा है। मतलब उसमें भी सहज, इसमें भी सहज, इतनी बड़ी सहजता की पराकाष्ठा देखना मुश्किल है कि मतलब मैं हाई में भी सहज रहूंगा, लो में भी सहज रहूंगा, और बल्कि मैं राजा राम से भगवान राम बन के निकलूंगा उन 14 साल में। तो ये हमें रामायण सिखाती है, मेरे ख्याल से जब भी आप दुख में हो, देखिए राम से बड़ा दुख आपके जीवन में नहीं हो सकता, उनका राज्य छिन गया, उनकी उनकी धर्मपत्नी छिन गई 12-12.5 साल बाद, और युद्ध के टाइम 2 बार कम से कम वो मरते मरते बचे, इससे बड़ा दुख किसके पास होगा, फिर भी वो विजयी हुए अंत में। तो यही मेरे ख्याल से रामायण जो एंड्योरेंस सिखाती है वो हमारे साथ भारतीयों के पास हर समय के लिए वो टेक्स्ट है, इसलिए मैं तो कायल हूँ रामायण का जी। और फिर इसके बाद पूरे आपकी वनवास की कथा आरंभ होती है, और वनवास में भी आप देखिए कि
जब स्थिति उत्पन्न होती है, जब भरत चित्रकूट आ जाते हैं, पूरी अयोध्या चित्रकूट आ जाती है, कल्पनीय है वो तो मेरे विचार से जो तुलसीदास जी ने जो उसका अतुलनीय वर्णन किया है उसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर राम निर्णय लेते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। ठीक है, और फिर वो जाते हैं महाकौशल क्षेत्र में जो उनकी ननिहाल है, लेकिन वहां वो बिल्कुल एक अज्ञात वनवासी की तरह ही रहते हैं। वो अपने नाना को सूचित तक नहीं करते, उनको किसी भी प्रकार की उनसे सहायता नहीं लेते, यहाँ तक कि जब सीता जी का अपहरण हो जाता है तब भी नहीं करते। और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जो मुझको उसमें लगता है, जो वो प्रतिज्ञा करते हैं, जब वो अरण्य कांड में जो प्रसंग आया कि वो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए तरह तरह के जितने भी वहाँ पर ऋषि मुनि होते हैं सबके आश्रमों में जाते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनसे ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, तत्व ज्ञान का दर्शन करते हैं, और वहाँ पे वो प्रतिज्ञा करते हैं। तो आया उसमें कि निश्चर ही न करूं करहूं मैं भुज उठाए पनकीन। तो पूरे अरण्य कांड का ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग लगता है जी, जिसमें जो आपने प्रण किया है जी, जो आपने भरत मिलाप कहा, जैसे आपने कहा तुलसी रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में और जितनी भी रामायण लिखी है, उससे भावुक कर देने वाला और सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला कि अपने अंदर झांकने वाला इंसिडेंट मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। मतलब सीन ये है कि भरत एक तो ढूंढते हुए आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं कि तुम राजा बन जाओ, राम कह रहे तुम राजा बन जाओ। ऐसे दो भाई बता दीजिए मुझे आपको, मतलब रिलायंस से लेकर रेनबैक्सी से लेकर हर ऐसी कौन सी कंपनी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जहां दो भाई एक दूसरे को दे रहे हैं। यहाँ एक भाई कह रहा है नहीं, मैंने अपने पिता का वचन निभाना है, मुझे 14 साल वन में रहना ही रहना है, तुम राज्य का भार संभालो। भरत कह रहे हैं आई एम नॉट द डिजर्विंग, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता हूं, आपको चुना गया है, आपको चुना गया, आप चलिए। और वो एक दूसरे को मनाने में लगे। भरत तो कह रहा नहीं मैं तो जान दे दूंगा, आपको जाना है वापस और आप ही को राजा बनना है। वो कह रहा है नहीं, तुम्हें पिता का वास्ता। मतलब इतनी गुडनेस, इतनी अच्छाई की पराकाष्ठा देख के आपको लगेगा तो अपने ऊपर शक होगा, मैं कितना घृणित व्यक्ति हूं। आपको हर अपनी कमी नोटिस होने लगेगी, देखिए मैंने तब ऐसा किया था, तब मैंने ऐसा किया था। तो रामायण का रेगुलर अध्ययन, मैं पिछले 1.5 साल से रामायण को 100-150 बार लोगों को बता बता के मुझे लगता है मुझमें बहुत बदलाव है। तभी मुझे लगता था लोग कहते हैं बार बार रामायण पढ़ो, बार बार रामायण पढ़ो, अपने वृद्ध लोग कहते हैं, तो बार बार क्या है, स्टोरी तो पता है, बार बार पढ़ने से क्या होगा। लेकिन संजय जी जब आप बार बार पढ़ते हैं, इटरेट होती है बात, तो आपको लगता है कि क्या करेक्टर थे वो लोग। और फिर एक सोल्यूशन निकलता है कि भाई आप केवल उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, 14 साल राम ही राज करेंगे और आप उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह। और तब भरत निश्चय करते हैं जब राम लक्ष्मण सीता वन में रहेंगे तो मैं भी नंदीग्राम गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहूंगा। और फिर जैसे आपने कहा अरण्य कांड में फिर वो चले जाते हैं और किसी को पता नहीं लगने देते कभी भी उन्होंने, मतलब वो कभी भी वो चित्रकूट से इसलिए चले जाते हैं क्योंकि अयोध्या की आधी जनता को पता लग चुका होता है कि चित्रकूट में, तो उनको लगा कि भाई अगर चित्रकूट में पता लग गया ये लोग आते रहेंगे, मुझे भी इसने कहीं मुझे वापस जाने की लालसा ना होने लगे, तो अपनी लालसा को ही काट दो। मैं जब सेशन ले रहा था एक बार बच्चों के साथ, तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, हाँ अगर डॉक्टर ने कहा आइसक्रीम नहीं खानी है तो अच्छा है फ्रिज में आइसक्रीम ही मत रखो, इससे लालसा ही ना आए। उन्होंने छोटा सा उदाहरण दिया एक बच्चे ने 6 साल के, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब कैसे उसने, उन्होंने राम जी ने कहा कि चित्रकूट में मुझे लालसा हो सकती है वापस जाने की, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, अपने नाना जी के आसपास भी रहूंगा तो उनको बताऊंगा नहीं, एक बार बता दिया मिलने चला गया तो मुझे फिर कुछ भवन के जीवन की लालसा, क्योंकि डेली वाल्मीकि रामायण तुलसी रामायण में डिस्क्रिप्शन है कैसे वो एक आश्रम से दूसरे आश्रम जाते थे, खाने की खोज करते थे, पानी की खोज करते थे, फल फूल की खोज करते थे, सोने की खोज करते थे, तो डेली एक स्ट्रगल थी, 14 साल तक डेली स्ट्रगल थी उसके जीवन में उसमें, और कोई देख भी नहीं रहा था, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, कोई रिपोर्टिंग नहीं थी, अपने आप खुद से प्रण था कि मुझे वनवास का व्रत नहीं तोड़ना है, चाहे माता सीता का अपहरण भी हो गया मैं भरत के पास जा सकता था, मैं अपनी ननिहाल जा सकता था कि मुझे सेना दो, मुझे माता सीता को ढूंढना है, नहीं मैं लोकल अलायंस अपने आप बनाऊंगा। फिर किष्किंधा कांड में हम देखते हैं कैसे सुग्रीव और हनुमान जी से अलायंस होता है। जी बिल्कुल, सुग्रीव और बाली का एक प्रसंग आता है जिसको लेकर हमारे जो लेफ्टिस्ट हैं वो बड़ा उछल कूद करते रहते हैं कई बार कि साहब उन्होंने उसको धोखे से मारा, मैं आपको ही देता हूँ, मेरे पास तो उसका एक्सप्लेनेशन तुलसीदास जी ने स्वयं दिया हुआ है,
राम के मुंह से कहलवाया हुआ है। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन में ज्यादा जुटता हूँ क्योंकि हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसमें इतिहास का दर्जा वाल्मीकि रामायण को ही मिला है। लेकिन हाँ, जो जो भाषा का उपयोग जो रोचकता से तुलसी रामायण ने किया है वो भी अतुलनीय है। तो इसको आप 3J मॉडर्न लोग 3J से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब राम जी ने पेड़ के पीछे छुप के मारा, सोटू से छुप के मारा, उसमें पौराणिक तो एक ये कल्पना भी आती है, एक ये उदाहरण भी आता है कि ऐसा था, बाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति हर लेगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में केवल 3J का डिस्क्रिप्शन है। पहला होता है जस्टिफिकेशन। राम जी कहते हैं कि भाई तुमने कभी वन में शिकार किया है? वाली कहता है हाँ। ये वाली और राम के बीच में संवाद हो रहा है ना, वाली तीर लगा हुआ है, वाली मर रहा है, थोड़ी दुख में है, पीड़ा में है, वो पूछता है, वाली दो प्रश्न पूछता है और बड़े लॉजिकल प्रश्न है दोनों। वो कहता है कि भाई आपने मुझे मारा क्यों, मैं तो एक दूसरे, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी एक दूसरे से कोई बैर नहीं है, आपने मुझे मारा क्यों, और मारा तो पेड़ के पीछे छुप के क्यों मारा। तो पहला जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया कि आप कभी वन में आपने शिकार किया है? हाँ। आप कभी पेड़ के पीछे छुपे? उसने कहा हाँ। आप कभी पत्थर चट्टानों के पीछे छुपे? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा आप मानते हैं कि छुप के मारना एक वॉर की स्ट्रेटेजी हो सकती है? वाली ने कहा। तो वाली ने कहा ठीक है, वो तो मैं मान गया, छुप के मारना वॉर की स्ट्रेटेजी हो सकती है और मैंने भी यूज करी है बहुत बार। तो जस्टिफाई कर दिया, मैं मुझे जस्टिफाई नहीं करा, बाली को जस्टिफाई कर दिया और बाली खुश था। बाली ने कहा मुझे इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, मुझे बताया आपने मुझे मारा क्यों। अब आता है जस्टिफिकेशन के बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब न्याय शास्त्र की उन्होंने कुछ गलत किया क्या। तो फिर एक बड़ी विवेचना है वाल्मीकि रामायण में कि अनुज की पत्नी अपने छोटे भाई की पत्नी से आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, है ना। तो आपने तो उसको हर लिया, बाली ने तो उसको हर लिया, रुमा को जो सुग्रीव की बीवी है उसको हर लिया, रख लिया, तो वो तो इतना जघन्य अपराध उसको बताया गया। तो आज के जीवन में जब हम जो जो एकता कपूर के सीरियल आते हैं उसमें पता नहीं किसकी किससे शादी हो जाती है और कौन कहाँ रहता है, वो इतनी अवैचारिकता उसमें दिखाई जाती है। तो उसके उसमें जो राम का जो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे आप अपनी अनुज की पत्नी को डील करना चाहिए, कैसे उससे बिहेवियर होना चाहिए, उससे बाली को खुद लगता है, वो ग्लानी में आ जाता है कि हाँ जो मैंने किया वो बहुत बड़ा अपराध है। तो यहाँ पे हर चीज में मजे की बात है, बाली खुद मान रहा है, क्योंकि देखिए मुझे मानना और आपका कन्विंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेफ्टिस्ट का कन्विंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाली का कन्विंस होना इंपॉर्टेंट है। तो बाली कहता है हाँ आप कह रहे हैं, मुझे अब बोध हो रहा है कि मैंने जो जो करा है वो दुष्टता है और उसका मतलब बहुत बड़ा मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मरता हुआ बाली फिर एक और लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, कहता है ठीक है मैंने तो गलती करी है, लेकिन तुम कौन हो मुझे दंड देने वाले? रुमा दंड दे दे, सुग्रीव दंड दे दे, कोई न्याय व्यवस्था मुझे दंड दे दे। तब आता है प्रश्न ज्यूरिसडिक्शन का, 3J। पहला था जस्टिफिकेशन, दूसरा था ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसडिक्शन। तो उस समय की फिर पूरी जनपद प्रणाली पर बात होती है कि कैसे अयोध्या के से संबंधित कौन से जनपद थे, अयोध्या से सलाह कौन से जनपद लेते थे। तो किष्किंधा भी उसी में आता था, जो सलाह के मशवरे में न्याय की सलाह कोसल अंपायर से लेता था। तो उसने कहा ये मेरे ज्यूरिसडिक्शन में आता है और पहली बार अपने आप को राजा बोलते हैं, अगर राम वाल्मीकि रामायण में अपने आप को राजा बोलते हैं, मैं आज भी वहां का राजा हूं, भरत मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, वो कार्य देख रहा है जब तक मैं वनवास में हूं और मैं अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी दुष्टता नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने दंड दिया। और बाली ये वचन सुन के कहता है मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ कि मुझे आपके हाथों मृत्यु मिली है, बस मैं सुग्रीव से मैं कृतार्थ हूँ, सॉरी मैं कृतार्थ कि मुझे आपके हाथों मृत्यु मिली है, बस मेरा एक निवेदन है। सुग्रीव से कहता है कि तुम अंगद मेरे पुत्र और मेरी पत्नी तारा का ध्यान रखना, और उनको भी कहता है कि मैं धर्म के मार्ग पर नहीं था, राम और सुग्रीव धर्म के मार्ग पर है और दोनों उनके साथ रहना। तभी हमने देखा है आगे कैसे तारा और अंगद दोनों बिल्कुल एक सॉलिड टीम की तरह काम करते हैं सुग्रीव राम लक्ष्मण के साथ। तो बहुत तार्किक प्रसंग है वो, जो जो आपस में संवाद है वो मेरे का तर्क शास्त्र का एक बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है, दोनों के बीच में जो संवाद है मरते हुए बाली और राम के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तुलसीदास जी ने भी इसका बताइए, आप अध्ययन इसमें काफी आपका। अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी इन्हे कुदृष्टि बिलोकई जोई ताही बंधे कछु पाप न होई। ये ज्यूरिसप्रूडेंस वाली जो आपने बात की है वो इससे पूरी तरह से यहाँ पर क्यों तुम्हारे वध करने में पाप क्यों नहीं है ये कारण है। बहुत जी, अब सुंदरकांड में पहुंचने वाले, हम किष्किंधा कांड में पहुंच चुके, महाराष्ट्र पंचवटी होते हुए कर्नाटका में किष्किंधा जो हम्पी बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में वहां पहुंच चुके हैं सब। हाँ, किष्किंधा पहुंच चुके हैं हम। अपहरण तो हो चुका है पहले ही, अपहरण हो चुका है, उन्हें टाइप करना है, एक टीम चाहिए सर्च करने के लिए। अब है वो टीम अब शुरू होती है, अब सुंदरकांड का प्रसंग आरंभ होता है।
जी। और सुंदरकांड प्रसंग वो एक नेतृत्व का बहुत अनुपम उदाहरण है, जब वो किस प्रकार वो जिसको वानर जाति कहते हैं, जो वहाँ के आदिवासी हैं, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है सारी जो रिसर्च है उससे भी कि वानर कोई मंकीज नहीं थे, बल्कि वानर जो थे वहाँ एक आदिवासी जाति थी वानर की। तो इसीलिए बार बार वानर जाति का वर्णन आया है। तो वानर जाति जो है, तो वानर नाम के जो आदिवासी थे उनको एकत्रित करके और उनको किस प्रकार से नेतृत्व देके उनकी ट्रेनिंग करके और उनको एक सेना के रूप में संगठित करना, एकत्रित करना, उनका प्रशिक्षण देना, ये भी मुझे लगता है कि एक अत्यंत ही ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन एक निश्चित रूप से एक अद्वितीय कार्य है। जी, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। पहले तो जब उन्होंने बाली को वध कर दिया, सुग्रीव को राज्य मिल गया, तब वो चाहते तो सुग्रीव के साथ रह सकते थे, लेकिन वो वहां रहने लगे जहां सुग्रीव रह रहा था, किष्किंधा की पहाड़ियों में वो वहां रहने लगे, मतलब क्योंकि उनको वनवास धर्म का पालन करना था। फिर सारी, जैसे आपने कहा, सारे वानरों को इकट्ठा किया गया, एक्सटेंडेड टीम बनाई गई, जो 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 बाली की जो सेना थी वो तो थी और एक्सटेंडेड टीम बनाई गई, ज्यादा जरूरत थी, और उत्तर दिशा में, पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में भेजा गया। इसमें बल्कि नीलेश ओक जी ने अभी दो वीडियो दिए, सुग्रीवा एटलस 1, सुग्रीवा एटलस 2, बहुत सुंदर है वो, कि कैसे सुग्रीवा ने डिस्क्राइब करा है। मतलब उससे आपको दो बड़ी मजेदार बातें ज्ञात होती हैं कि सुग्रीव को और भारतवर्ष में उस समय ज्योग्राफी का कितना ज्ञान था, कहां कहां तक थी, जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर आज की अमेरिका और कहां कहां पहुंच जाती है। तो नॉर्थ की टीम फेल हो गई, ईस्ट की टीम फेल हो गई, वेस्ट की टीम फेल हो गई, जो साउथ की टीम थी सबसे इंपॉर्टेंट टीम थी, दक्षिण की टीम थी, उसमें हनुमान जी थे, उसमें अंगद थे, उसमें नील थे, उसमें जामवंत थे, उसमें तारा भी थी। ये भी बड़ी मजे की बात है, तारा जो एक महिला थी वो भी टीम में, वो भी एक सैन्य टीम में हुआ करती थी। कब की बात है, 14,000 साल पुरानी, जब महिला एक सैन्य टीमों में हुआ करती थी हमारे यहाँ। तो वो जो टीम गई और कैसे एक एक को प्रशिक्षण दिया गया, और देखिए बड़ा बड़ा दिमाग से हर चीज सोची गई, जो हम कहते हैं पासवर्ड, देखिए ना, जब हम किसी जूम के कॉल में एंटर करते हैं तो हम पासवर्ड एंटर करते हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई अगर कोई ढूंढ पाएगा तो हनुमान जी ढूंढ पाएंगे, और ढूंढ पाएंगे तो सीता माता एक बार छल खा चुकी है रावण से, वो दोबारा छल नहीं खाएंगे, वो नहीं मान लेंगे कहने से हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी मेरे भेजे हुए हैं। तो उन्होंने कहा अपनी अंगूठी देके भेजी, है ना, ये आज सोचने बड़ा आसान लगता है, लेकिन इतनी जटिल परिस्थिति, जब इतने लोग ढूंढने भेजे हुए हैं, तो आपको जहां पे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है वहां पे आपने एक तरह का पासवर्ड भी देके भेजा, जिससे वैलिडेट हो पाए। और फिर हमें पता है कैसे मोटिवेशन दिया गया जामवंत जी के द्वारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेसन होता है, मोटिवेशन पे हजारों किताबें लिखी गई हैं, तो कैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को मोटिवेट करा, उनकी पुरानी शक्तियां याद दिलाई, और फिर वो कूदते फांदते तैरते लंका पहुंच गए, और वहां पे उन्होंने अपनी जो अंगूठी जो राम जी की थी उससे वैलिडेट करा कि मैं राम का सच्चा भक्त हूं, मुझे राम जी ने भेजा। और फिर माता सीता ने भी अपनी चूड़ामणि, अपनी हेयर क्लिप दी, जिससे फिर राम जी के पास वैलिडेट हुआ कि वो सही सीता माता से मिलकर आए, किसी बहरूपिया महिला से नहीं मिलकर आए। तो वो भी बहुत तार्किक है, और टीम स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजाइजिंग, डायरेक्शन, ज्योग्राफी, इन सब की बहुत अच्छी किसी को स्टडी करनी है तो पूरा सुंदरकांड। और वो तो है, देखिए किसको हनुमान जी जैसा टीम मेंबर नहीं चाहिए, जब भी कोई दिक्कत है, माता सीता को ढूंढना है, हनुमान जी, लंका में थोड़ा दिखाना है कि राम कौन है, लंका दहन करके हनुमान जी, बाद में प्रकरण आएगा संजीवनी बूटी लानी है, हनुमान जी। तो हनुमान जी तो ऐसे थे जो वन मैन आर्मी थे अपने आप में, और तभी आज हम देखते हैं जगह जगह राम जी की जहां भी मूर्ति है तो हनुमान जी की मूर्ति तो होनी होनी है। जी बिल्कुल, एक तुलना भी है, तो उनके हनुमान जी है ना, एक संज्ञा भी है तो उनके हनुमान है। और फिर राम रावण युद्ध तो आपको पता ही है, मुझे नहीं लगता कि राम रावण युद्ध के बारे में कोई बहुत विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है, फिर भी आप किसके बारे में कुछ कहें। एक चीज संजय जी, मतलब मैं बार बार अपने अपने सेशंस में कहता हूँ कि रामायण और महाभारत में एक चीज मजे की है कि जो वॉर है वो कभी हम कहते हैं अच्छाई की बुराई पे, लेकिन इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। रामायण में जहां भी निर्णय है वो अच्छे और दूसरे अच्छे के बीच में है, इतना देखिए गुड एंड बैड के बीच में तो डिसीजन बड़ा अच्छा है, मैं गुड को चूज कर लूंगा, मैं अच्छे को चूज कर लूंगा, बुरे को छोड़ दूंगा। लेकिन रावण कोई रोड साइड गुंडा नहीं है, रावण की जो डिस्क्रिप्शन है वो इतने डिटेल में है, आपको लगे नहीं कि एक नेगेटिव कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, चाहे उसका जो ज्ञान है वेदों पे, चाहे जो उसकी उपासना की पद्धति है, किस तरह से वो भगवान शिव को खुश करते हैं, उनसे वरदान लेते हैं, किस तरह वो संगीत के बहुत बड़े उपासक हैं, जो शिव तांडव है, जो सरगम के स्रोत हैं, कैसे शतरंज जैसा जो खेल है, चेस का खेल है, उस तरह का बिल्कुल मिलता जुलता खेल वो खेला करते थे, कैसे अर्कशास्त्र जो एक आयुर्वेदा की विधा है उसमें वो पारंगत थे,
कैसे जो उन्होंने जो विमान था उनके पास उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके और वैसे कई विमान बना लिए। तो मतलब वो हर तरह से, वो एक साइंटिस्ट थे, वो केमिकल साइंटिस्ट थे, वो एक म्यूजिशियन थे, उनके पास अपार शक्ति थी, वो एक जिज्ञासु व्यक्ति थे, वो वेदों के पठन पाठन थे। तो ऐसे दो रामन रावण का युद्ध हो रहा है, ऐसे किसी नहीं, एक बस एक उसने माता सीता का अपहरण कर लिया, एक साधारण सा व्यक्ति है, गुंडा है, एक छोटा सा एनिमी है, उससे नहीं युद्ध हो रहा है, एक ऐसे व्यक्ति से युद्ध हो रहा है जिसकी अपनी हर फील्ड में पराकाष्ठा अपरंपार है। और राम भी ऐसे ही बहुत सारी गुणों के प्रतीक है। उन दोनों में वॉर हो रहा है। फिर जो नतीजा निकल के आता है, तब दिखता है कि परसेवरेंस क्या कर सकती है। मतलब अगर आप 14 साल तक स्थिरता से रखें, आप 14 साल पहले अपना राज्य खो बैठे थे, आप 12.5 साल बाद अपनी पत्नी को वन में खो बैठे, तब भी आप वापस नहीं गए, युद्ध के बीच में इंद्रजीत के बाणों द्वारा 2 बार आप आहत हो गए, बिल्कुल आप मरते मरते बचे, तब भी आपने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, आपने ऑनेस्टी नहीं छोड़ी, आपने अपनी जो 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 जीजी विषय थी वो नहीं छोड़ी, आपने हर नियम का पालन करते करते भी आप फिर युद्ध को जीते। तो ये जो एंड्योरेंस की फाइट है, मेरे ख्याल से जो एंड्योरेंस की जो पूरी कहानी है, ये रामायण का सार मुझे लगता है, जो स्वतः ही मेरे ख्याल से मुझे लगता है भारतवासियों में आ गई है, जो मैंने आपके बहुत सारे सेशनों में सुना है कि किस तरह भारतीय ऐसी संस्कृति है जो पुरानी संस्कृतियों में बची है। जब मैं इजिप्ट गया तो जो गाइड था, एक मुस्लिम गाइड था, वो इजिप्ट की सारी चीजों को एक मजाक में बताता था, अरे ये तो अग्नि की पूजा करते थे, ये तो पानी की भी पूजा करते थे, आपको लगे बड़ा भारतीय सभ्यता जैसा ही वहां का धर्म था, जो उस पुरानी, चाहे वो इजिप्ट की संस्था हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो टर्की की सभ्यता हो, सब 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 मर चुकी है। इतनी पुरानी सभ्यता की जो एंड्योरेंस है, वो चाहे हम मुगलों से कैसे लड़े, हम अंग्रेजों से कैसे लड़े, और जो कॉलोनाइजर थे उनसे कैसे लड़े, वो हमें भगवान राम से मिलती है कि 14 साल बाद भी इतनी सारी, मतलब इससे बड़े किसी के साथ, तीन बड़े कि आप अपना राज्य खो बैठे, आप अपनी धर्म पत्नी को खो बैठे और अपना जीवन खोने वाले थे, फिर भी आपने कोई उल्टा पुल्टा रास्ता नहीं अपना, और अंत में आपकी रावण जैसे महाविद्वानी महापराक्रमी शत्रु से आपकी विजय हुई, और इसीलिए हम उन राजा राम को आज भगवान राम के रूप में मानते हैं। मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था, अहंकार का ज्ञान जो है वो ज्ञान के अहंकार पर विजयी हुआ। ये एक बहुत बड़ा संदेश है इसमें जी। इसमें एक एक हमारे जो लेफ्टिस्ट हैं वो एक प्रसंग लेके बहुत उछलते कूदते हैं, और जो उनकी आदत है ना प्रेजेंटिज्म, आज के जो नॉर्म्स हैं उसको पास्ट पे थोपने के, जब उनका अर्थ सिद्ध हो रहा हो तब, वैसे तो उनसे ज्यादा, और आपने वो इजिप्ट वाला बताया ना, वो हंसी हंसी की बताते, तो वो तो पूरे इस्लाम की समस्या है, क्योंकि वो जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था अबू हाकिम, जो अबू जाहिल भी उसको बोलते, उसको पोर्ट्रे किया जाता है कि वो महान मूर्ख व्यक्ति था, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, क्योंकि उसी ने बताया था कि ये जो कार्य हो रहा है ये मानवता के लिए विनाशकारी होने वाला है। वो अकेला आदमी था, मैं उसको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता हूँ, इसीलिए जब कोई कहता है कि ये जाहिल है, तो मैं उसको समझाता हूँ कि अरे भाई जाहिल तो बहुत बुद्धिमान था, ये जो जाहिल को जाहिल कहते हैं पहले उनकी बुद्धिमत्ता टेस्ट करो जो जाहिल का अर्थ जो है मूर्खता से लेते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता टेस्ट करना अधिक आवश्यक है। तो यदि वो इस तरह की बातें मजाक में कर रहा था तो निश्चित रूप से हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ख है जो महापंचभूत और पंच तत्वों को जो प्रत्यक्ष हैं उनको तो मजाक में देखता है, और जिसको कभी देखा नहीं उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता है। वो एक बड़ी बात है ना, वो कहके साहब के, जिसको कभी देखा नहीं वो उसके तो लिए हम जान देने को तैयार हैं, और जो सामने है वो बिल्कुल बेकार है, उसको हम रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो खैर ये तो थोड़ा प्रकार अंतर से बात हो गई। ये माता सीता की अग्नि परीक्षा को लेके हमारे जो है लेफ्टिस्ट वाले बहुत उछलते हैं जी, जरा इस पर प्रकाश डालें। देखिए आप भी जोड़िएगा, जो मेरा अध्ययन हुआ है, मैंने बहुत सारे स्कॉलर से खासकर इस विषय पे और बाली का जो वध के विषय में, मेरा भी मत है इसमें, आप भी रखिएगा। देखिए बहुत सारे तरह से वाल्मीकि रामायण के मैं जो ओरिजिनल जो जो मंत्र श्लोक है वहां से लेके जाऊंगा,
एक सेकंड दीजिए मैं जरा। हाँ, तो होता क्या है, युद्ध जीत जाते हैं, विभीषण को भेजा जाता है कि विभीषण को, क्योंकि लोकेशन पता है कहाँ कहाँ अशोक वाटिका है उनके साथ सैनिकों के साथ, कि माता सीता को लेके आइए। और अब युद्ध खत्म हो चुका है, वनवास भी खत्म हो चुका है, हम जा रहे हैं वापस। उनको पूरी एक एक जो महारानी है, जो जैसे वो अयोध्या की रानी है, वैसे वस्त्रों में आभूषण के साथ लेके आइए, क्योंकि वो जिस हाल में होंगी जनता के सामने वैसे ही उनकी प्रतिष्ठा स्थापित होगी। ठीक है, लेके आते। अगर किसी को हल्का सा भी शक होता है कि राम और माता सीता के जो आपस में संबंध है, प्रेम संबंध, उसमें कुछ भी त्रुटि है, तो पूरी रामायण एक बार पढ़ें। जैसे आपने कुछ कहा कि जिनके कुल का भी ज्ञान नहीं था उनसे पहले विवाह किया। अगर राम को कभी भी मानवीय इमोशन दिखते हैं तो वो सीता माता के अपहरण के बाद दिखते हैं, कि मैं पर्वतों को जला दूंगा, पानी को सुखा दूंगा, धरती को जला दूंगा अगर मेरी मेरी धर्म पत्नी उससे नहीं मिली तो। पहली बार ऐसा लगता है कि वो आक्रोश में है, और फिर वो लक्ष्मण उनको पहली बार ठंडा करते हैं, कहते हैं हमें विवेक से सोचना होगा, हमें ढूंढना होगा। फिर वो जटायु से उन्हें लक्ष्मण मिलते हैं, फिर वो कबन से होते होते उनके वो सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। तो और ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जब राम और लक्ष्मण आपस में बात कर रहे हैं, कितना अगाढ़ प्रेम है, कितना संबंध है, कितना रिस्पेक्ट है माता सीता के मन में राम के, राम जी के लिए, और राम जी में माता सीता के लिए। अब देखिए, एक 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 अपहरण के बाद एक दूसरे पुरुष के साथ ने अपहरण करा, वो उसके राज्य में रही, कई 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 लेवल पे बात होती है कि उन्होंने कैसा खाना खाया, कैसे विचार हुए, किस तरह के लोगों के साथ रही, क्या वो पर पुरुष के साथ भी रही। ऐसी राम जी को कोई कोई खुद में ना तो उनको कोई संशय है, लेकिन जनता में संशय है, जनता के सामने एस्टैब्लिश करना है उनको, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता के सामने एस्टैब्लिश करना है। अगर किसी और के साथ ऐसा हुआ होता जनता में, तो उसके साथ किसी ना किसी तरह की परीक्षा लेनी पड़ती। तो दो उन्होंने सिद्धांत आते हैं, एक तो कि मैं जनता में कैसे एस्टैब्लिश करूं, जो माता सीता की जो पवित्रता है उसे जनता में कैसे एस्टैब्लिश। उनको पता है कि माता सीता तो उन्होंने तो हनुमान जी के लिए अग्नि से वरदान मांगा था, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो माता सीता को पता लगा, उन्होंने अग्नि अग्नि देवी से वरदान मांगा कि इनको कुछ भी हानि ना पहुंचे, और हनुमान जी बच के निकल गए, बल्कि उन्होंने पूरी लंका जला दी। तो उनका और माता सीता का तो बिल्कुल अच्छा संबंध था, तो राम जी को तो पता था इनको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ उससे जब वो निकल के आएंगी, तो अगर पब्लिक परसेप्शन में इतनी सी भी अगर किसी किसी में माता सीता को लांछन लगाने की अगर हल्की सी भी कभी मन आता है, तो वो भी दूर हो जाएगा। पहली बात ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि अगर एक कॉमन सिटीजन होता तो अगर उस पर एक रूल लगता है तो मेरी धर्मपत्नी पे, मेरे परिवार पे क्यों ना लगे। हम अपने जीवन में हर समय बहुत सारे कंफ्लिक्टिंग धर्म फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे उनके पास एक राजधर्म भी था कि एक राजा की तरह मैं कैसे बिहेव करूं, और एक परिवार धर्म भी था, तो उन्होंने राजधर्म को परिवार धर्म से ऊपर रखा और एस्टैब्लिश भी कर दिया जनता के सामने कि उस अग्नि परीक्षा के बाद कि वो पवित्रता से निकल आई। तो मेरे ख्याल से बहुत स्मार्ट भी था वो मूव, जनता के सामने एस्टैब्लिश भी कर दिया, और उन्होंने कैसे राजधर्म को परिवार धर्म से ऊपर रखा। तो इस तरह से मुझे लगता है, मैं समझता हूँ इस प्रक्रिया को, आप ऐड करें इसमें। या नहीं, मैं तो इसको थोड़ा इसका विवेचना ये करता हूँ कि जिसको जो अग्नि परीक्षा की जब बात करते हैं, तो आप अग्नि की जब बात करते हैं तो वेदों में यदि आप अग्नि का विवेचन करें तो जो वेस्टर्न लेंस है वो अग्नि को सिर्फ एक रूप में देखता है, फिजिकल फायर। लेकिन वेद, वेदांत, हमारे शास्त्र, उसमें अग्नि जो है वो 90% से अधिक आपको फिजिकल फायर के रूप में नहीं दिखेगी, वो अलग अलग तरह की अग्नि होगी। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वजम होतारम रक्तदात्मम, ये ऋग्वेद की पहली ऋचा है। और अग्निमीले पुरोहितम, जिसको जो है आप वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि साहब की ये जो पुरोहित जो है वो किसी फिजिकल फायर में ऑब्लेशंस दे रहा है, कोई संविधा दे रहा है, जबकि उसका अर्थ है ही नहीं। कोई भी वेद का विद्वान आप उससे पूछ लीजिए वो किस अग्नि की बात कर रहा है, वो उस आपके आंतरिक, जिसको कहते हैं इनर स्पार्क, को लाइट करने की बात कर रहा है कि आपके अंतर की जो अग्नि है, आपके मानस की जो अग्नि है, उसको प्रज्वलित करो जिससे कि वो प्रकाश की ओर जाए, वो प्रज्वलित हो और आपको प्रकाश दे, ये उसका वास्तविक अर्थ है।
अग्नि, आप भी जानते हैं कि अग्नि का अर्थ संस्कृत में कम से कम 12 और अधिक से अधिक 99 बताए गए, 99, बिटवीन 12 एंड 99 डिपेंडिंग ऑन द ऑथर, 12 इज द मिनिमम तरह तरह की अग्नि, मानस अग्नि, जठराग्नि, उदराग्नि, पता नहीं कौन कौन सी अग्नि, प्रायश्चित अग्नि। यहां पर जिस अग्नि का द्योतक है वो है प्रायश्चित अग्नि। राम कहते हैं सीता को कि तुमने लक्ष्मण का बहुत तिरस्कार किया था, ये सारा कार्यक्रम इसी कारण हुआ है कि तुमने लक्ष्मण का तिरस्कार किया था, तुमने लक्ष्मण को कटु वचन बोले थे और यहां तक उस पर आक्षेप लगा दिया था कि तुम्हारी जो रुचि है मुझमें हो गई है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए और तुम मुझको पालो। तो इन कटु वचनों के कारण ये सारा प्रसंग हुआ है, तुमको प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा और उस प्रायश्चित की अग्नि में सहर्ष सीता माता स्वीकार करती हैं कि उनसे गलती हुई थी, उस प्रायश्चित की अग्नि में जलकर और वो फिर निखरे हुए सोने की भांति उस प्रायश्चित की अग्नि से निकलती। तो ये तो है समझ वाली बात, और बाकी लेफ्टिस्ट से तो हम किसी प्रकार की अकलमंदी की तो आशा आज तक मैंने की नहीं है, मैं तो उनसे बहस में भी नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ उनको उनका मजाक उड़ाता हूँ क्योंकि वो इसी लायक हैं, इससे अधिक उनको जो है आपको ज्यादा रैशनल डिस्कशन में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैंने रूल्स ऑफ रेडिकल्स भी पढ़े हुए हैं और रूल्स ऑफ रेडिकल्स को काउंटर कैसे करना है वह भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं उसमें ज्यादा पढ़ता नहीं। लेकिन जो हमारे लोग जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, मतिभ्रमित हो जाते हैं, उनके लिए मैं ये सामने रखना चाहता हूँ जी। हाँ, और बिल्कुल, और हमारा फिर दशहरा दिवाली दोनों होते हैं, बल्कि पिछले 4-5 साल से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तो अयोध्या में दीपावली बहुत सुंदर होती है, तो दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, आपने देखा होगा टीवी, और इस बार तो देव दीपावली भी हुई। हाँ, देव दीपावली, हाँ काशी में वो भी 2 बार से हो रही है, पिछले 2 बार से बहुत सुंदर हो रही है। जी जी जी, और वो बल्कि देव दीपावली बहुत सारे लोगों को तो त्यौहार भी नहीं पता था ढंग से कि क्या त्यौहार होता है, तो सही बात है। मेरे दिल्ली के बहुत सारे मित्रों ने तो उस पर रिसर्च करी, हमारी चर्चा हुई, एक जूम कॉल हुई इसी पे कि देव दीपावली होती क्या है। तो अयोध्या में जो दीपावली होती है बहुत सुंदर दीपावली होती है, पता नहीं आज से 70 साल तक अयोध्या में बड़ी दीपावली क्यों नहीं हुई किसी प्रशासनिक तंत्र द्वारा। बहुत सुंदर दीपावली होती है, उसमें बहुत सारे देशों की रामलीलाएं प्रस्तुत होती हैं, देश विदेश से बड़ा कोई गेस्ट, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है ना, समस्या। और वहां पे सेक्युलरिज्म का मतलब ही एंटी मेजोरिटी होना है, ये ठीक करें। और वहां पे जो टूरिस्ट है वो भी पिछले 3-4 साल में बहुत बढ़ गया है। मुझे याद है मैं 3-4 साल पहले कुछ शोध के लिए जब अयोध्या जाया करता था तो होटल को ही अपने जो ये साइट्स हैं ओयो, मेक माई ट्रिप, इसमें एक आध होटल दिखाता था। अब सब होटलों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, 15-20 होटल दिखते हैं, मीडिया जाती है बहुत सारी, बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, पिछले से पिछली बार फर्स्ट लेडी ऑफ कोरिया आई थी, कोरिया में माना जाता है कि जो वहां की 70% जनता है वो अयोध्या की एक रानी गई थी, उनके वंशज हैं, वो आज भी मानते हैं कि वो कोरिया की जो रेस है वो अयोध्या से जुड़ी हुई है। तो ऐसे अब राम जी वापस हो गए हमारी कहानी में भी, जो हम पिछले 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, और वही हमारी राम जी की परिकल्पना है, किस तरह से स्टेट को चलाया जाए, किस तरह से अपने संबंध निभाए जाए, किस तरह से अपने पार्टनर्स टीम के साथ देखा जाए, किस तरह से अपने शत्रु को भी डील किया जाए, कैसे वो रावण के बाद भी उसमें शांति प्रस्ताव देते रहे, वो पहले हनुमान को भेज रहे हैं, फिर अंगद को भेज रहे हैं, फिर बीच में भी वॉर में एक बार वो उसके हाथ से धनुष छूट जाता है तो उसको भेज देते हैं कि शस्त्र लेके आओ, तो कैसे अपने शत्रु को भी डील करना, और कैसे भी जैसे आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी टेरिटोरियल नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान और चाइना जैसे नेबर हैं, तो हमने जब लंका पर अटैक करा तो उस पर कब्जा नहीं कर लिया, उस पर अच्छा राजा बिठा के वापस आ गए, हम तो विभीषण को बिठा के वापस आ गए, उसका मतलब था केवल उसको सबक देना और वापस आ जाना केवल वहां से। जो बांग्लादेश में भी हुआ, हमने हमारी सेना ने उसको हथियार नहीं लिया, वहां पे किसी राजा को बिठाया और वापस आ गए, तो वहां पे भी एक संदेश आता है, इंडिया एज अ कंट्री इज नॉट टेरिटोरियल अबाउट द लैंड, और फिर राजा राम ने हमें फिर संदेश दिया और अयोध्या वापस आ जाते हैं। तो यह मेरे ख्याल से हर प्रकरण में बहुत सीखने को मिलता है मेरे हिसाब से। तो हमने तो बड़ा मोटा मोटा टच किया है, और मैं आपके माध्यम से दर्शकों से भी कहूंगा, हमारी वेबसाइट है theramayanaschool.com, उसमें बहुत सारे हमने गेम्स पजल्स भी रखे हैं, तो जाके उस वेबसाइट को भी विजिट करें आप लोग।
अब ऐसा करते हैं कि कुछ और पहलू है जो हमने छुए नहीं है, लेकिन कुछ दर्शकों के लिए भी छोड़ देते हैं, नहीं तो वो कहेंगे सब आपने ही पूछ लिया तो हमारे लिए क्या बचा। अब मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने प्रश्न पूछें, कुछ प्रश्न आ गए हैं उनके ऊपर चलते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको अधिकाधिक शेयर करें, आप जितने भी प्लेटफॉर्म आपके पास है उन सभी से, जहाँ भी ग्रुप्स हैं सभी पर डालें इसको। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके जो बेल आइकॉन है उसको दबाएं और यथासंभव हमारा सहयोग करें। इस अपेक्षा के साथ अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. दशरथ जी बोले थे राम तलवार उठाओ और राज्य छीनो हो। जी ये तो वही प्रसंग है जो हम कह रहे हैं, इस पे बात हमने कर ली थी। हाँ कर ली हमने तो, दशरथ जी का तो था ही नहीं, दशरथ जी तो कह रहे थे कि भाई सही बात है। एकलव्य सिंह, एक आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, एक पिता एक माता एक भाई एक भक्त एक पति एक पत्नी और यहाँ तक कि एक शत्रु कैसा होना चाहिए, ये सब जानने के लिए आवश्यक है कि पीढ़ियों के बाद पीढ़ियों को रामायण पढ़ाते सुनाते और दिखाते रहे। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसमें एक बात कहना चाहूंगा, आपके बहुत सारे दर्शक है, मैं देख रहा हूँ 1000 लोग तो लाइव ही देख रहे हैं और कई लाखों लोग देखेंगे जैसे आपकी आपकी व्यूअरशिप आती है। मुझे लगता है कि हमारे घरों में, अगर मैं कहना चाहता हूँ भारतीय घरों में, हिंदू घरों में रामायण को, अगर वाल्मीकि रामायण लें 24,000 श्लोक है, अगर 20-30 श्लोक भी लेंगे तो 3 साल में पूरी रामायण पढ़ लेंगे, तो हमारे घरों में एक व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था मतलब मैं घरों में ही कह रहा हूँ, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं, अपने घरों में कि 20-30 श्लोक पढ़े ही पढ़े, मतलब ऐसा। और वो फिर आपके ब्रेकफास्ट डिस्कशन में भी जाए, आपके डिनर डिस्कशन में भी जाए। मैं खुद कह रहा हूँ, 1.5 साल से जो मेरे परिवार में बदलाव है, 1.5-2 साल से, मेरा 8 साल का बालक है, 2 साल की पुत्री है, मैं पत्नी छोटे से परिवार में दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो इतनी तरह की चर्चा होती है। मेरा बालक ही मुझे टोक देता है बहुत सारी चीजों में, कि वो राम की संज्ञा देके, कभी भरत की संज्ञा देके, कभी जटायु की संज्ञा देके, तो वो इतनी इतनी ऐसी स्टोरी है जो जुड़ी हुई है हमारे हमारे जीवन में, और हम वहीं उसी लैंड में हैं, राम सब यहीं से निकले हैं, अयोध्या से होके, यहाँ से होके, मध्य प्रदेश से होके, महाराष्ट्र से होके, तो हर जगह से निकले हैं राम तो, और पूरे पूरे हमारी ऋचाओं में तो है ही राम। तो परिवार में रामायण पढ़ने की, रामायण पर चर्चा करने की, केवल उसको रट के दोहराने की नहीं, रामायण पर चर्चा होने की जरूर एक संबंध बनाना चाहिए हर परिवार को। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। आशीष प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं कि रामायण और रामचरितमानस में कोई अंतर है। देखिए वाल्मीकि रामायण को जो जो भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसमें इतिहास में बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं पूर्व वृत्तम कथा युक्तम, जो पूर्व में हुआ है कथा के रूप में कहा गया है। और जैसी डॉक्टर नलेश शोक ने रेटिंग करी, 14,000 साल पुराना टेक्स्ट है। जो तुलसी रामायण है उसके बहुत सारे अडेप्टेशन हुए हैं वाल्मीकि रामायण के, उसका वो काफी नया अडेप्टेशन है जो करीब 500 साल पहले मान सकते हैं हुआ है, तो तुलसी जी हुए थे, और क्योंकि तब तक हम पे बहुत सारे आक्रमण हुए, संस्कृत भाषा का थोड़ा उतनी पढ़ाई नहीं जाने लगी, तो अवधि में जो जो बहुत बोलचाल की भाषा थी उत्तर भारत में उसमें उसमें लिखा गया, तो जो रामायण को एक्सेस कराया गया, जो रामायण एक तरह से भूल गए थे लोग, उसको तुलसी ने जनमानस तक लेके गए। और मजे की बात है, मैं अयोध्या जाता हूँ, वहां पे वाल्मीकि रामायण की चर्चा कम होती है, वहां मतलब आप अगर किसी होटल में भी जाएंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, छोटे से ढाबे में भी जाएंगे, तो कोई ना कोई आपको तुलसी रामायण की एक चौपाई किसी ना किसी संदर्भ में सुनाई देगा, एक ऑटो वाला एक नाव वाला कोई ना कोई सुना देगा, वहां के तो जीवन में रची बसी है रामचरितमानस। तो यही अंतर है, दोनों दोनों बहुत ही सुंदर काव्य है, इतिहास की रचनाएं हैं, तो दोनों को ही हमें पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा अंतर यह है कि महर्षि वाल्मीकि की जो रचना है वो निष्प्रह है, उसमें निष्प्रहता का भाव है, वो एक जिसको कह सकते हैं अनअटैच्ड डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको राम के प्रति अटैचमेंट नहीं दिखेगा, यहाँ पे तुलसी का अगाढ़ प्रेम दिखेगा। तुलसी जो है वो भक्त है, ये एक इसीलिए तुलसी की मानस से जो रस आता है, अगर आप रस की तुलना करेंगे तो वो रस वाल्मीकि रामायण में नहीं आता। जी ठीक है, वो एक तार्किक तार्किक ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी।
वरुण ज्वाल प्रणाम, क्या इस निष्कर्ष में पहुंचा सकते हैं कि त्रेता द्वापर युग में स्मार्ट व्यक्तित्व के दर्शन होते थे? ऐसा क्या है कि आधुनिक दौर में स्मार्ट डिवाइसेस ने स्मार्ट व्यक्तित्व की जगह ले ली है? देखिए, स्मार्ट तो नया शब्द है, लेकिन रामायण जो मोरालिटी, जिसको आज मोरालिटी कहते हैं, जो मूल्य है, उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है। चाहे कोई भी करेक्टर देख लीजिए, चाहे राम का करेक्टर देख लीजिए, वो ताड़का को मारते समय क्या सोच रहे हैं, वो अपने पिता का वचन निभाने के लिए कैसे उस आज्ञा को बिना दिए ही आज्ञा को मान ले रहे हैं, कैसे भरत जब लेने जा रहे हैं तो दोनों भाइयों के बीच में जो बात चल रही है, कैकेयी जिसने इतना निकृष्ट काम किया उसके बारे में भी कोई बुरा नहीं बोल रहा है। सबसे मजे की बात है कि उसके बारे में पूरा मैं रामायण कई बार छान रही, उसके विषय में भी कोई बुरा नहीं बोल रहा है। अपने शत्रु को भी कैसे डील कर रहे हैं, वनवास में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई पुलिस नहीं, फिर भी आप वनवास वन व्रत का पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पिता को वचन दिया था 14 साल पहले। तो मतलब आजकल की, अगर आजकल के लोग कहें नहीं रामायण तो पुराना टेक्स्ट है, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, तो उससे बड़ा मजाक कुछ नहीं। आप तो हर पल पे सीख सकते हैं। आप तो, मैं कहता हूँ कि सीसीटीवी सोसाइटी है आज, अगर सीसीटीवी कैमरा ना लगा हो, पुलिस ना हो, सरकारें ना हो, तो मतलब बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर तो फेल हो जाए। जैसे अमेरिका में हम देखते भी हैं, छोटा सा एक चक्रवात आता है तो लूटपाट मच जाती है, दुकानें लूट जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो देश में फिर भी बहुत मॉरलिटी पे समाज कायम है, ना कि पुलिस के डर से समाज कायम है। तो वो समाज की तुलना अगर हम आज का समाज हो जाए तो जीवन का आनंद ही आ जाए, तभी हम उसे रामराज कहते हैं। जो एक छोटी सी मतलब धोबी के कहने पर भी उस बात का भी संज्ञान लिया गया, तो वो है रामराज। तो हाँ, उसे आप स्मार्ट शब्द दे दें या गोल्ड स्टैंडर्ड कह सके जीवन की कला में। पुनीत भार्गव जी, संजय जी आपकी प्रज्ञा प्रभाव में घनघोर आकर्षण है, इसी तरह आनंदित करते रहे। पत्रम पुष्पम, धन्यवाद सुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला प्रश्न प्रकाश और नकल शांतनु सर, कैन यू शेयर एनी इनोवेशन लेसन्स फ्रॉम रामायण? देखिए, बहुत सारी इनोवेशन हो रही है उसमें। सबसे मजेदार बात है कि राम का जो 14 साल का वनवास है, और संजय जी ने बीच में उस पर रेफरेंस भी दिया था, मैं उस पर थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। जब वो चित्रकूट से निकल गए और वो पंचवटी पहुंचे, उसके बीच में करीब 10 साल हैं। जो 10 साल बीते वो अरण्य के जंगलों में बीते, जो आज का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का एरिया मान सकते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं उस समय, डिस्क्रिप्शन है वो एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना या एक साल किसी किसी ऋषि साधु के पास रह रहे हैं, वो खोज रहे हैं, एक ऋषि से दूसरे ऋषि के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं आगे कहाँ जाऊँ। तो देखिए, एक एक ही हो सकता था, वो सिर पकड़ के बैठ जाए, हाय राम ये क्या हो गया, मैं कल राजा बनने वाला था, कहाँ जंगल में ठोक दिया मुझे, यहाँ पर ना खाने के बांधे हैं, ना अपनी धरपत्नी को सुला सकता हूँ, ना 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 कपड़े धो सकता हूँ, ना दाढ़ी बना सकता हूँ। तो एक तो वो सोच हो सकती है। दूसरी सोच ये हो सकती है कि मैं क्या सीख लूँ। इंग्लिश में एक कोटेशन होती है, व्हेन यू गेट लेमन मेक लेमोनेड, मतलब अगर आपको आम नहीं मिल पा रहे, नींबू ही मिला है, तो उससे सबसे अच्छा क्या हो सकता है कर लीजिए। तो वो केवल सीख रहे हैं, कभी तत्व ज्ञान ले रहे हैं, कभी अध्यात्म का ज्ञान ले रहे हैं, कभी संवाद आ रहे हैं कि वेदों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं, कभी धनुर्विद्या सीख रहे हैं, अलग अलग तरीके सीख रहे हैं। कोई अपना जो पूरा ज्ञान है जीवन भर का ऋषि, वो राम को समर्पित कर दे रहे हैं कि तुम सबसे अच्छे पात्र हो इसके। जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का रामटेक में ज्ञान सीखा, वो भी इसी दौरान सीखा। तो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा इनोवेशन है कि जब आपके पास कुछ नहीं है, जैसे कोरोना के समय में मेरे ख्याल से संजय दीक्षित जी एचआर वाले भी यही कहते हैं, सबसे अच्छा टाइम है रीस्किलिंग करना। अपने आप को रीस्किल करते रहो, या तो रोते रहो मेरी नौकरी चली गई, अरे मुझे ये नहीं हो रहा है, अरे मैं यहाँ जाने वाला था, मैं ये करने वाला था, जो नहीं हो पा रहा है वो नहीं हो पा रहा है ना। राम जी अब जंगल में है तो जंगल में है, तो आप क्या घर पे बैठे बैठे अपने आप को रीस्किल कर सकते हो? मुझे लगता है आप भी ऑनलाइन के माध्यम से संजय जी बहुत सारे लोगों के बीच पहुंच गए होंगे जो आप शायद वैसे ना पहुंच पाते। मैं रामायणा स्कूल को लेकर 20 देशों से पहुंच गया, मुझे कई एम्बेसीज ने इन्वाइट कर लिया, कई बड़े बड़े ग्रुप्स ने इन्वाइट कर लिया। तो यही इनोवेशन है मेरे ख्याल से, परसेवरेंस जो है सबसे बड़ी इनोवेशन है, एंड्योरेंस सबसे बड़ी इनोवेशन है जो हमें रामायणा से सीखने को मिलती है, मुझे लगता है जी। अगला प्रश्न बाली ने तो अज्ञानता में किया जो किया, लेकिन आज के लोग तो जानबूझकर बाली बन रहे हैं, उनका क्या इलाज है? भाभी देवर के रिश्ते को पॉर्न साइट पर ले गए। ठीक है, जो रिश्तों में जो पवित्रता होनी चाहिए, वो किसी भी रिश्तों में कैसी पवित्रता होनी चाहिए। और आज अगर मैं उसके पहले सुपर्णखा वाला इंसिडेंट जाऊंगा, जब सुपर्णखा कहती है कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगे राम, तो उन्होंने कहा मैं शादीशुदा हूं। तो ये केवल शादीशुदा नहीं कहा, उन्होंने पहली बार समाज को बताया कि एक पत्नी व्रत, जो इस समय लॉ है, कुछ इस्लामिक देशों को छोड़ दिया जाए संजय जी, तो इस समय पूरे वर्ल्ड में वन मैरिज इज अ लॉ, आप एक समय में दो शादियां नहीं कर सकते हैं इस्लाम को छोड़ के।
इस्लामिक देशों में और इस्लाम धर्म के मानने वालों को छोड़ के, तो जब एक पत्नी व्रत का, उनके पिता भी तीन 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 शादियां थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता से भी आगे जाकर उन्होंने एक पत्नी व्रत का वचन दिया। तो रिश्तों की जो पवित्रता है उसमें तो राम खुद और अलग अलग जो अलग अलग कैरेक्टर हैं उसमें एस्टैब्लिश हुआ है। और आप ठीक कह रहे हैं, विसंगतियां आ रही हैं समाज में, और तभी रामायण का अध्ययन, रामायण जैसे टेक्स्ट का अध्ययन बिल्कुल निरंतरता से डेली घर बार में बच्चों के साथ, उनके संज्ञान में बड़े बच्चों के साथ, आपस में दोस्तों के बीच में एक चर्चा का विषय होना ही चाहिए निरंतर। और आपने, अच्छा है आप नॉर्मली पॉलिटिकल टॉपिक लेते हैं, आज आपने रामायण का विषय लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपके बहुत सारे दर्शक हैं, तो इसलिए आपने ठीक कहा। नहीं नहीं, जी अगला प्रश्न, पोखरियाल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिंदू सेक्युलर, सेक्युलर हिंदू कहना चाहते हैं? आप संजय जी इसका आप ही उत्तर दीजिए, आप बोल। एक वो जो है ना, वो एक डायलॉग है ना, वो अजीत का बड़ा फेमस डायलॉग है, क्या है उसका मैं अडेप्टेशन कर लेता हूँ कि भाई सेक्युलर हिंदू वो चीज है जो लिक्विड ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन उसको मरने नहीं देती और लिक्विड उसको जीने नहीं देता, तो ये हिंदू सेक्युलर की वही स्थिति है। देखिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एलूड किया था, इंडोनेशिया में 90% जनता मुस्लिम है, वहां पे काकाविन रामायण उनकी अपनी रामायण है, वहां पे तीन चार ऐसी रामलीला हैं जो रोज होती हैं, 43 साल से 43 ईयर से वो रोज रामायण का डिस्प्ले करते हैं। वहां अलग अलग प्रतीकों में राम की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, बोटानिकल गार्डन से लेकर कई कई गार्डनों में। थाईलैंड जो एक बुद्धिस्ट कंट्री है उसकी जो नेशनल किताब है वो रामाकियन रामायण है। भारत में अगर कल नरेंद्र मोदी रामायण को नेशनल बुक डिक्लेयर करते हैं तो देखिए आपको कितने शो करने पड़ेंगे, ऐसी हाय तोबा मच जाएगी। तो भारत में क्योंकि वो रामायण एक प्रतीक की तरह नहीं एस्टैब्लिश हो चुकी है, वही हिंदू सेक्युलरिज्म है मेरे ख्याल से। और हमें राम स्थापित करने के लिए कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, इसके लिए हमें कोर्ट केस लड़ना पड़ा 70 साल ये बताने के लिए। वो तो हमारे क्या बोलते हैं पार्टीशन के तुरंत बाद जितने भी लोग पाकिस्तान बनवाने वाले थे और भारत में रह गए वो तुरंत सेक्युलर डिक्लेयर कर दिए गए, और जो बेचारे भाग के आए पाकिस्तान से उनको भगाया गया वहां से, और जो यहाँ पर इस चीज के लिए लड़ रहे थे कि भाई देश का विभाजन ना हो वो तुरंत कम्युनल डिक्लेयर कर दिए गए, और वो आज भी चला आ रहा है। यानी 7 साल होने आ गए भाजपा की सरकार को, लेकिन वो जो नैरेटिव है वो अभी तक बदला नहीं जा पाया है। चलिए कुछ कुछ प्रयास कर रहे हैं हमारे आप जैसे लोग, संभवतः सफल हो जाए। तुषार ओझा जी, बेस्टेस्ट एपिसोड, टुक अवे ऑल द स्ट्रेस, सच डिस्कशन शुड हैपन मोर ऑफन। निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग रहेगा तो क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उत्तराखंड में कोई लॉजिक, उत्तरकांड में कोई लॉजिक मुझे तो नहीं दिखाई देता, एटलीस्ट सीता माता के अयोध्या छोड़ने वाला प्रसंग, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक चाल है? वैसे उत्तरकांड के विषय में जो सर्वाधिक प्रचलित मत है विद्वानों में वो ये है कि ये बाद में जोड़ा गया है, तो वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है उसके बारे में। मैं थोड़ा सा करता हूँ, देखिए बाद में तो जोड़ा गया है वो तो बिल्कुल निश्चित ही है, वो इसलिए निश्चित है क्योंकि अगर आप युद्ध कांड के आखिरी के 20 श्लोक पढ़ेंगे तो फलश्रुति के श्लोक है। फलश्रुति मतलब आपको रामायण पढ़ने से क्या मिलेगा, तो उसमें है कि रामायण पढ़ने से ये लाभ मिलेगा, इसको साथ में पढ़ना चाहिए, इसको सुबह पढ़ना चाहिए, इसको शाम को पढ़ना चाहिए, मतलब रामायण खत्म हो रही है क्योंकि आप किताब के खत्म होने पे लिखते हैं इसे। फलश्रुति चौपाई श्लोक दोहा मंत्र हमारे हर जो भी टेक्स्ट है उसके अंत में होता है, तो ये तो निश्चित है कि युद्ध कांड पे वाल्मीकि रामायण खत्म होती है, और उत्तर कांड में फिर वो दोबारा से एडिशन है। लेकिन अब इसमें बस अलग अलग मत ये आते हैं, जैसे नीलेश शोक जी का जो मानना है, मैं उनको काफी फॉलो करता हूँ, कि उसकी जो टाइमिंग है, उसकी जो जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, मतलब वो बाद में तो ऐड हुई है लेकिन वो गलत है सही है इस पे अभी मत क्लियर नहीं है। और उसका जो मत है वो लिटरेचर से लिया जाता है क्योंकि उसका जो काव्य है वो पूरी वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल भिन्न है, भिन्न ऐसा संस्कृत के विद्वानों का मत है। तो यदि
उसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, तो वो बिल्कुल अलग होने का कोई, वो जैसे उस समय की जो संस्कृत है, आप भी जानते हैं कि संस्कृत में बदलाव होते रहे हैं, अलग अलग समय की संस्कृत अलग अलग की है, वैदिक संस्कृत अलग थी, जो बाद की जो सामान्य संस्कृत है वो अलग है, तो उस सामान्य संस्कृत में भी अलग अलग समय के अलग अलग उसके आप कह सकते हैं कि उसके वर्शंस हैं। तो ये एक बहुत बाद का वर्शन उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। तो अधिसंख्य मैं कहूँगा लगभग 90% से ऊपर जो संस्कृत के विद्वान हैं, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मैं बता दूँ आपको, वैसे मैंने बस संस्कृत पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत काम चला लेता हूँ। तो जो संस्कृत के जो घोर विद्वान है वो लगभग एक मत है कि ये उत्तरकांड जो है ये बाद में जोड़ा गया है, और बाद में भी नहीं, बहुत बाद में जोड़ा गया है। तो आई विल नॉट इवन पुट इट बियॉन्ड सम ऑफ द वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट, इट इज दैट वे। क्यों? उसका एक और कारण मिलता है। आप रामचरितमानस देख लीजिए, क्योंकि रामचरितमानस को क्या कहते हैं, तुलसी जी क्या कहते हैं, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वच दन्यतोपि, यानी रामायण से जो निकला हुआ है उसके साथ में कुछ और मिला के स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल माथन होती। मैंने अपने सुख के लिए ये रघुनाथ गाथा लिखी है, कैसे, रामायणे निगदितम क्वच दन्यतोपि, मतलब रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, उससे जो निकला हुआ है उसमें कुछ और मिला के, और उसमें जो है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का लेश मात्र भी नहीं आता। ये मैं तो तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो बोल रहा हूं, रामायणे निगदितम क्वच दन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। ये भाषा और निबंध जो है इसको मैंने थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयास किया है। तो जो तुलसीदास जी से तो बड़ा मुझे नहीं लगता कि किसी ने महर्षि वाल्मीकि का मान बढ़ाया है, ठीक है, और उस व्यक्ति ने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का कुछ भी अपने उत्तरकांड में नहीं लिखा, ये मैं सबसे बड़ा प्रमाण मानता हूं कि ये जो उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का है वो बैठता नहीं, क्योंकि तुलसी की भी रामायण जो है लंका कांड के बाद में और उत्तरकांड में जब आते हैं भगवान राम, और उसमें फिर आप एक भगवान शंकर उनका वहां पर स्वागत करते हैं, जय राम रमा रमनम समनम भयताप भयाकुल पाहि जनम, ये जो उसमें आता है, उसके बाद फिर वो सिर्फ उसमें दर्शन शास्त्र है, फिर कोई उसमें वर्णन नहीं है, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, वो करके फिर उसके बाद दार्शनिक डिस्कशन से सारे सारे ये मुझे एक अकाट्य प्रमाण लगता है कि इसमें कोई जो लोग कह रहे हैं संस्कृत के विद्वान बिल्कुल शत प्रतिशत इस पे है कि वो बाद का इंटरपोलेशन है। हरीश पोखरियाल जी पूछ रहे हैं उर्मिला सैक्रिफाइस इज बिगर देन लक्ष्मण, यहाँ बिल्कुल उर्मिला माता उर्मिला जैसे बहुत सारे सैक्रिफाइस एक तरह से अननोटिस चले जाते हैं, तो हरीश जी धन्यवाद कि आपने नोटिस करा। देखिए जो वनवास था वो केवल राम जी के लिए था, वो माता सीता के लिए नहीं था, वो लक्ष्मण के लिए नहीं था, तो लक्ष्मण और माता सीता साथ आए, और उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी वो तो पीछे रह गई, वो 14 साल मतलब ना तो लक्ष्मण को तो वनवास मिला नहीं था, वो तो वनवास पे आई, और उर्मिला अपने अपने पति से अपने परिवार से दूर रही 14 साल, ना उनका तो ना लेना ना देना था। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका उनका जो सेक्रीफाइस है इस पूरी पूरी कथा में, इस पूरे दृष्टांत में, वो भी अतुलनीय है। तो वही मैंने जो स्टार्टिंग कहा था कि हम तो एक घंटे में या फिर कुछ समय में, मैं 5-6 दिन की वर्कशॉप भी करता हूं, तो कुछ कैरेक्टर बताते हैं, लेकिन एक एक कैरेक्टर में डेप्थ है, एक एक कैरेक्टर में डेप्थ है, बहुत सीखने को मिलता है कैरेक्टर से। बिल्कुल, मांडवी और श्रुति कीर्ति को तो हम भूल ही जाते हैं, उनका तो नाम ही नहीं जानते, कीर्ति के तो नाम ही नहीं पता होते लोगों को, मैं पूछता हूं तो मेरे क्वेश्चन होता है वो तो कि इनकी धर्मपत्नी कौन है उनकी, तो लोग बताते हैं जी। आदर्श जी पूछ रहे करेक्शन, देव दीपावली इन काशी इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 1980s, इट वाज मॉडर्नाइज्ड लास्ट ईयर, ओके थैंक यू।
बनाई तो पहले से भी जाती थी, बहुत छोटी सी बनाई जाती थी। देखिए अयोध्या में दिवाली तो बनती थी, मैं नहीं कह रहा हूँ अयोध्या में दिवाली नहीं बनती थी या देव दिवाली नहीं बनती थी, लेकिन देखिए भव्यता का भी एक अपना आनंद होता है कि जब भव्य जब चीज जो जिसका जितना प्रारूप होना चाहिए उतनी भव्यता से बने तब आनंद आता है। तो वो जो भव्यता उसमें ऐड हुई वो पिछले कुछ वर्षों से हुई। जी अगला प्रश्न, पूरन सिंह जी धन्यवाद। Why did Lakshman's wife not accompany them? तो उसमें भी हाँ, रावण सागर जी ने अच्छा वर्णन किया है इसका, एक दृश्य दिया है उन्होंने। आप बताइए। नहीं उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा और मिला जैसे कि तुम चली जाओगे तो माता कौशल्या का ध्यान कौन रखेगा, मतलब परिवार का ध्यान कौन रखेगा। परिवार में बहुत सारे लोग हैं, दशरथ जी भी हैं, परिवार का ध्यान भी रखना है, भैया भी नहीं है अभी, तो मतलब वही आपको लगेगा ना कि मतलब कहीं पे भी कोई भी लेश मात्र भी स्वार्थी नहीं हो रहा है पूरे टेक्स्ट में। वहां पे आपको लगेगा इतना कैसे हो सकता है, मतलब ये तो हाइट ऑफ गुडनेस है। तो आपको हर करेक्टर में इतना दिखेगा कि आपको अगर रामायण पढ़ते पढ़ते मैंने अक्सर देखा है आपको आत्मग्लानी जरूर होगी, आपको लगेगा आपने कुछ तो त्रुटि करी अपने जीवन में, तो आपको लगेगा ये तो मैंने ठीक लगा। इसलिए बहुत सीखने को मिलता है, एक सेल्फ असेसमेंट होता रहता है बार बार। पूनम अभी बार बार एक ही किताब को पढ़ो तो समझ आता है कि हर बार ऐसे अंश शब्द वाक्य हर बार मिलते हैं जो पिछले बार रीड में ने मिस कर दिए थे। हाँ रामायण जितनी बार पढ़ेंगे आपको एक अलग आनंद आएगा, अलग। बिल्कुल बिल्कुल, ये रामायण में भी है, भगवद गीता में भी है, रामचरितमानस, सब ये जितने ग्रंथ हैं ये अद्भुत ग्रंथ है। ये एक जेन्युइन शंका, हनुमान जी ने लंका दिन में जलाई थी या रात में? आपको तो अगर आप कुछ डिटेल छोड़ दें तो क्लैरिफाई करके बता दूंगा, लेकिन वो पूरा प्रसंग डेढ़ दिन का है मात्र, उनका वहां पे जाना और वहां पे जो भी करके वापस आना वो डेढ़ दिन का प्रसंग है। लेकिन मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, वो दिन में निकले थे, रात हो चुकी होगी उस समय, क्योंकि वो दिन में निकले थे शाम को पहुंचे थे और उसके कुछ ही घंटों का बाद का वर्णन है वो, तो मतलब क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है, मैं और आपको बता सकता हूँ उसमें, मैं अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दूंगा आप देखिएगा जाके। हाँ लेकिन मेरे हिसाब से रात ही होगी, पूरा प्रसंग डेढ़ दिन का है वो। पुनः भी क्या कह सकता है वाल्मीकि जी राम के समकालीन थे, उन्होंने इतिहासकार माना जाता है, तुलसी मानस वो ही राम कथा एक भक्त द्वारा रचित महाकाव्य है। वाल्मीकि जी बिल्कुल, उनके संवाद भी आते हैं तो दो या तीन बार संवाद आते हैं, तो बिल्कुल समकालीन थे राम के। मेहर हरदास रामायण पर वार्ता सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रश्न, रावण के दृष्टिकोण से क्या विभीषण जी गद्दार कहे जाएंगे? विभीषण एक बड़ा बड़ा अद्भुत कैरेक्टर है, और जब विभीषण बहुत ज्यादा राम की पैरवी करने लगे और कहने लगे कि आपको राम से माफी मांग लेनी चाहिए और किसी की पत्नी को चुरा कर उस बात पे लड़ना एक एक बिल्कुल बेकार कारण है लड़ने का, तो उनको उन्होंने निकाल दिया अपने अपने कोर्ट से और वो राम के पास जाके मिल गए, और वहां पे भी लेने में इतनी जल्दी नहीं ले लिया, राम ने दोनों पक्ष सुने। सुग्रीव ने कहा नहीं लेना चाहिए, वहां का भेदी हो सकता है। हनुमान जी ने कहा नहीं, ये व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है, जब मुझे मारने के आदेश हुए तो इन्हीं ने ज्ञान दिया कि दूतों को मारा नहीं जाता है। तो वहां पे पूरी विवेचना के बाद हुआ कि विभीषण को ले लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऐसे ज्ञान होंगे जो हमारे काम आएंगे और आए भी बहुत सारे, चाहे वो इंद्रजीत के को कैसे साधना है, रावण को कैसे साधना है, सब में ज्ञान काम आए। लेकिन आज भी घर का भेदी लंका ढाए, तो विभीषण को भेदी माना जाता है। तो हाँ ये जो उन्होंने धर्म के पक्ष में खड़े हुए, लेकिन फिर भी उनको माना ऐसा जाता है बहुत सारी संज्ञाओं में, बहुत सारी कहानियों में, कि उन्होंने राम का साथ नहीं दिया, लेकिन उनका पक्ष था कि मैं धर्म के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, मैं अधर्म के साथ नहीं रहना चाहता। और यही मैं जो कहना चाह रहा था कि रामायण में दो अच्छे और बुरे के बीच में निर्णय नहीं है, एक अच्छाई और दूसरी अच्छाई के बीच का निर्णय है, इसलिए निर्णय कठिन है वहां कि विभीषण अच्छे हैं कि बुरे हैं। और ऐसी चर्चा मैं चाहता हूँ कि आपकी ब्रेकफास्ट टेबल और डिनर टेबल पर होती रहे, तो अपने आप वही रामायण का सार है कि ये डिस्कस करते करते आप अपने आप ही सार निकाल लेंगे। लेकिन रामचरित मानस में निश्चित रूप से ये निर्णय है, ठीक है वो निर्णय देते हैं, दुष्ट के बारे में भी कहते हैं और सज्जन पुरुष के बारे में भी कहते हैं। ह्यूमंस एंड एलियंस, एक हाथ पे रामायण गीता विज्ञान की पुस्तक और दूसरे हाथ में तलवार बंदूक लेके चले, निश्चित रूप से हमारे सारे देवी देवता हाथ में शस्त्र धारण करते हैं भाई, बिल्कुल आपकी बात सही, शस्त्र भी होते हैं एक हाथ। स्ट्रेंजर सिंह, होप योर शो बिकम्स मोर सक्सेसफुल अचीविंग इट्स गोल्स, पत्रम पुष्पम, थैंक यू सिंह साहब।
थैंक यू वेरी मच पूनम अभी जी. वेस्ट इज मॉडिफाइड एक पत्नी व्रत कॉल्ड सीरियल मोनोगैमी. I learned about it when I was studying psychology in USA. अब वेस्ट के बारे में तो घर कभी अलग से चर्चा कर लेंगे. वेस्ट तो ना तो बाइबल फॉलो कर रहा है और ना कुछ और फॉलो कर रहा है. तो वोक हो गया आजकल वोक. What were Ram's views of Ravan? Any shlokas? हाँ उनपे डिस्क्रिप्शन है. आपस में चर्चा हो रही है. जब भी कोई केकई की बुराई करता था या रावण के बारे में छोटे शब्द बोलता तो राम बताते थे कि भाई वो शिव का भक्त है, उसने शिव से बहुत सारी शक्तियां ली हैं, उसे वेदों का ज्ञान है. देखिए आपको बड़े मजे की बात है, जो लंका का डिस्क्रिप्शन है वो किन दो कैरेक्टर से मिलता है? हनुमान जी से और राम जी से. आपको लंका के बारे में जो पता लगता है कितनी सुंदर नगरी है, या रावण के बारे में पता लगता है थोड़ा विभीषण से पता लगता है. विभीषण तो फिर भी थोड़ा नेगेटिव बोल रहा है, राम जी तो नेगेटिव बोलते ही नहीं है. वो तो रावण की बताते हैं कि रावण को आसान मत समझो, वो एक ज्ञानी व्यक्ति है. तो बिल्कुल बिल्कुल है, इसके श्लोक हैं और वहीं से हमें पता लगता है कि रावण एक, जैसे मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति था, म्यूजिक में उसकी, संगीत में उसकी रुचि थी, अर्थशास्त्र में उसकी रुचि थी, विज्ञान में उसकी रुचि थी. तो हमें पता लगता है वाल्मीकि रामायण से रावण के बारे में. ओके नेक्स्ट. संजय दीक्षित सर इज रॉन्ग विद उत्तराखंड इज लेटर एडिशन. नीलेश ओक जी मेड क्लियर द उत्तराखंड वर्ड पार्ट ऑफ ओरिजिनल वाल्मीकि. वी हैव एन ऑल्टर्ड एंड इनएक्युरेट स्क्रिप्ट एक्युरेट स्क्रिप्चर्स. नाउ आई हैवंट सेड दैट. नीलेश ओक इज लुकिंग एट इट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एस्ट्रोनॉमिक एस्ट्रोनॉमी, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटरेचर. सो व्हाट नीलेश ओक जी सेड दैट whoever has written the later kand, he is either it's Valmiki himself or whoever has done it and maintained the astrological chronology. That's what correct. He says. Yeah. Correct. So, whoever has done it may have been smart enough to incorporate the astronomical points, but he forgot to maintain the integrity of the language. Yeah. तो सीधी सी बात है, आप अवधि लिखते लिखते कोई आप रामचरितमानस की अवधि में रचना करें और उसके 500 साल के बाद उसमें ब्रज भाषा में एक खंड और उसमें लगा दें और उसको कुछ और कांड बता दें तो पकड़ा जाएगा अल्टीमेटली. वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी के क्षेत्रफल और सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा वर्णन है. आपका थोड़ा विवेचन चाहिए. आदर्श जी पूछ रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप. जो बालकांड है उसमें जो सबसे पहले अयोध्या के बारे में दशरथ जी के बारे से बोलने से पहले ही अयोध्या को एस्टैब्लिश किया जाता है कि अयोध्या है क्या. मतलब हर व्यक्ति बिल्कुल खुश है, धन धान्य है. गाय के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन है, कैसे लोग गाय की सेवा करते हैं. गाय का पूरी रामायण में बहुत डिस्क्रिप्शन है. राम जी कहीं जाते हैं तो गाय दान करते हैं, गाय लेते हैं, उन्हें कोई गाय देता है तो गाय का आदान प्रदान एक गिफ्ट की तरह अच्छा गिफ्ट माना जाता है गाय. और तो अयोध्या की कैसी प्रोस्पेरिटी है, बल्कि जब जब दशरथ का पहली बार दुख बताया जाता है कि दशरथ का दुख क्या है तो वो अयोध्या के डिस्क्रिप्शन से शुरू होता है कि अयोध्या में सब खुश हैं, वहां की सेना बहुत प्रबल है, हर व्यक्ति खुश है, हर व्यक्ति संपन्न है, हर व्यक्ति में ट्रेड में इन्वॉल्व है, हर व्यक्ति किसी अच्छे काम में इन्वॉल्व है. बस एक दुख है दशरथ का कि मैं इस प्रजा को अपने पुत्र की भांति, अपने पुत्री की भांति मानता हूं, अब इसका मेरे बाद कौन पालन करेगा. और तब संज्ञा आती है कि उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है और फिर राम जी का जन्म होता है. तो बल्कि अभी एक शायद नीना गुप्ता जी हैं, उन्होंने अयोध्या पे एक पूरी किताब लिखी है, अच्छी किताब है, जो अयोध्या का डिस्क्रिप्शन करती है वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण के रेफरेंस से. जी राम जन्मभूमि और राम लला को उनका स्थान ग्रहण करवाने के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले महान वीर आत्माओं को नमन. बिल्कुल. अरे हम लोग बहुत बहुत लकी लोग हैं कि हमारे जीवन काल में कुछ चीजें तो ऐसी लगती थी बस पीएचडी थीसिस होगी, डिबेट करेंगे टीवी में और चले जाएंगे. हमारे जीवन काल में हम उसको देख भी पाएंगे होता हुआ. हम लोग उस सदी के, उस जीवन के लोग हैं जो अगले 3-4 साल में उस मंदिर में दर्शन भी कर पाएंगे. पीयूष त्रिपाठी, संविधान में मूल अधिकारों को ज्यादा तरजीह देते मूल कर्तव्यों की जगह, जबकि मेरे घर रामायण से सीखने को मिला कि कर्तव्य सर्वोपरि है, यदि ढंग से निर्वहित हो तो सगुण होते हुए निर्गुण
ब्रह्म से साक्षात्कार संभव है, क्या संविधान के मूल ढांचे का पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए? ये तो मेरा निश्चित मत है, तो मैं कितनी बार कहता रहता हूँ, ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी मैंने सुना है कैसे, तो मैंने तो पूरा का पूरा उसका जो जहां से इंडिविजुअल राइट्स जो हमारी कार्टीजियन यूनिवर्स से आरंभ होते हैं वहां से लेके और कहां पे फिजिक्स में खत्म हो जाते हैं और हमारे संविधान में अभी भी नहीं समाप्त हुए। खैर वो तो अलग चीज है, आपने निर्गुण वाली बात कही है उस पे, तो निर्गुण और सगुण का तो रामचरित मानस में जो विवेचन है वो तो मेरे विचार से वो अद्भुत है, उसका तो कोई किसी भी प्रकार का अतुलनीय है वो बिल्कुल। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अगुण अरूप अनीह अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। और राम के लिए अगुण अलेप अमान एक रस, भगत राम सगुन भय भगत प्रेम बस। ये जो है एक विशिष्टाद्वैत का एक अत्यंत सुंदर उन्होंने समन्वय किया है उन्होंने, क्योंकि कबीर ने राम को नीरस बना दिया था, कबीर की जो भक्ति परंपरा में है वो राम पूर्ण रूप से निर्गुण निराकार हो जाते हैं, क्या कह राम निरंजन न्यारा रे अंजन सकल पसारा रे, तो वो पूरी तरह से निर्गुण निराकार हो जाते हैं, वो सुगम नहीं रह जाते लोगों के लिए, जबकि राम सुगम है। तो फिर ये समन्वय किया है तुलसीदास जी ने वापस कबीर के बाद आके, और उसने इस देश की जो परंपरा है और जिसको मैं कहूँगा कि जो यहाँ की जो धर्म परंपरा है उसमें प्राण फूके, नहीं तो नीरस हो गई थी काफी। जी आगे ले लेते, ये हो गया, हाँ इस पे तो हम बात कर चुके। पीयूष त्रिपाठी, राम मेरे भारतवर्ष की एकता का वो प्रतीक है कि मैं चित्रकूट को उत्तर प्रदेश में ही आता है ऐसा मान के बैठा रहा जब तक नक्शा ढंग से नहीं देखा था। आप गए नहीं चित्रकूट लगता है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में समान रूप से बटा हुआ है, लेकिन वो जो मंदिर है जो भरत मिलाप का मंदिर है वो उत्तर प्रदेश वाले चित्रकूट में आता है। हाँ भरतकूप जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन आपके क्या बोलते हैं जो परिक्रमा है कामदगिर की उसका काफी भाग मध्य प्रदेश में है, कुछ उत्तर प्रदेश में। मेरे पिताजी पोस्टेड थे बांदा डिस्ट्रिक्ट में, वो अलग जिला नहीं था, बांदा में ही आया करता था, तो हम तो बहुत बार गए चित्रकूट। क्या वाल्मीकि रामायण में शंभूक वध का वर्णन है? अगर नहीं तो ये फिर मिलावट किसने की है? इसका देखिए एग्जैक्ट फैक्ट तो मुझे श्लोक देख के बताना पड़ेगा, मैं अपने क्लास में तो इसका नहीं चर्चा करता हूँ, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से ऐसा कोई श्लोक नहीं याद आता है मुझे, मैं रेफरेंस बता सकता हूँ एक बार इनका एग्जैक्टली। लोभास गरुड़ जीहन, ठीक है मैंने प्रश्न नोट कर लिया, जहां पर मैं उत्तर ठीक से नहीं देख पाया उनको मैं अपने फेसबुक पोस्ट पे पोस्ट कर दूंगा एक दो दिन। ऐसे जो चर्चा है ना शंभूक वध का, क्योंकि प्रसंग आ गया तो मैं बोल दूं इसमें कि जो शंभूक का जो वध हुआ था वो उसकी जाति के कारण नहीं हुआ था, वो तो ठीक है, हाँ वो तो बिल्कुल वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो मर्यादा भंग कर रहा था। हाँ जी वो तो आफ्टर थॉट है कि जाति नहीं जाते कि वो इंटरपोलेशन है या एक्सट्रापोलेशन है जो है उसको छोड़ दें, हम ये मान लेते हैं कि वो है, लेकिन वो भी ये है कि वो मर्यादा भंग करना चाहता था और मर्यादा भंग करने वाले को मर्यादा पुरुषोत्तम किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकते। क्या मर्यादा भंग करना चाहता था संभव तो आपको ज्ञान नहीं, कह रहा मैं सशरीर स्वर्ग जाऊंगा, सशरीर स्वर्ग जाऊंगा, मृत्यु लोक में ये मर्यादा नहीं है, आप सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, शरीर तो त्यागना पड़ेगा। भाई ठीक है तो शरीर, उसका शरीर उन्होंने त्याग दिया स्वर्ग चला गया, राम के हाथों वध होके जब रावण स्वर्ग चला गया तो शंभूक भी स्वर्ग चला गया, लेकिन सशरीर नहीं जा सकता था, जाना उसको स्वर्ग था, स्वर्ग भेज दिया गया, लेकिन आप बाद में उसमें जाति का वर्णन करके पूरी चीज को। अरे वो जाति तो अंग्रेजों ने बनाई है सबको पता है, जाति का आविष्कार ही 1871 से पहले का नहीं है,
जाति मतलब कास्ट का, जातियां तो बहुत प्राचीन है, कास्ट का आविष्कार 1871 का है। इसके ऊपर भी मैं चैलेंज दे चुका हूँ, 6 लाख का इनाम है, मनुस्मृति में कोई बता दे कि बर्थ बेस्ड वर्ण होता है, 6 लाख ले जाओ मनुस्मृति में, जिसको सब लोग ज्यादा सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं उसी में बता दो चलो, हालांकि वो भी कोई मानक नहीं है। फिर भी अविनाश कुमार, रामचरितमानस इज ऑल टाइम ग्रेटेस्ट लिटरेरी क्रिएशन, मोस्ट ऑफ शेक्सपियर ड्रामा हैड मैक्सिमम 4-5 कैरेक्टर्स, बट मानस हैड कैरेक्टर्स आफ्टर कैरेक्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल द पात्रास हैड हाइट ऑफ अ कैरेक्टर, देयर इज नो लिटरेरी पीस एवर इवन क्लोज टू मानस। नहीं ये, मैं तो प्रेजुडिस्ट हूं तो मैं इस पर मत व्यक्त नहीं करूंगा शांतनु जी से, रामचरितमानस के फेवर में प्रेजुडिस्ट हूं। आप प्रेजुडिस्ट हैं, लेकिन मैं जब कहते हैं कि चाहे वाल्मीकि रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो चाहे महाभारत हो, और इसको फिर इलियाड से और ओडिसी से कंपेयर करते हैं, बहुत सारे कि वो भी बड़े काव्य हैं, है ना, वो तो पहली बात तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए लिखे गए थे, दूसरी बात ये इतिहास है, पूर्ववृत्तम कथा एक तो पूर्व में हुए हैं, और इसकी रचना इतनी इतनी सुंदर है कि जीवन में कभी भी कोई पढ़े, आज पढ़े, 100 साल पहले पढ़े, 100 साल बाद पढ़े, वो उतनी रेलिवेंट रहती है। मैं अभी मैनेजमेंट के कुछ काफी बड़े सीनियर सीईओस का सेशन लिया था, उनको भी 2 दिन उतना ही एंजॉयमेंट हुआ जितने 6 साल के बच्चे को हुआ, उतना ही एंजॉयमेंट उतना हुआ जितना पेरेंटिंग के माताओं के ग्रुप को हुआ। तो वो इतना गुड है, जैसे किसी ने लिखा था अभी कि आप उसे आज पढ़ेंगे तो उस श्लोक में उस चौपाई में एक अलग आनंद आएगा, कल पढ़ेंगे तो आपकी जो मनस्थिति है उसके हिसाब से अलग अलग आनंद आएगा। तो वो बिल्कुल ठीक करे, हाँ शायद हमारी गलती है कि हम उनको शेक्सपियर की तरह फेमस नहीं कर पाए अपनी रचनाओं को, और अब हमारे पास सबके पास एक चैलेंज है कि भाई जो जन जन के लोग हैं जो इस इतने अच्छे टेक्स्ट से महरूम रह गए हैं उनके पास भी ये टेक्स्ट पहुंचे, किसी भी लैंग्वेज में पहुंचे, स्पेनिश में पहुंचे, इटालियन में पहुंचे, इंग्लिश में पहुंचे, तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सुंदर टेक्स्ट है। जी नेक्स्ट, अर्जुन शर्मा, जय सर, जय श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, राम लला सारे तरह के जीवियों से मार्गदर्शन करें और भारत को अमर करें, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स, दैट ब्रिंग्स अस टू द क्लोज, हमारे प्रश्नोत्तर काल समाप्त होता है। शांतनु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही रोचक प्रसंग रहा, मुझे विश्वास है कि दर्शकों को भी इसमें आनंद आया होगा, और राम नाम की महिमा से जो रस प्रवाहित होता है उसमें तो आप पूरी तरह से उतराए ही होंगे जैसे हम उतरा रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार।